कितने लोगों नाइन्थ का टेबल आता बॉयस? सर और एक बात, नाइन का टेबल आता क्या? देखो अभी मैथ्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राजस्थान में भी गया तो लोग मैथ्स लेते नहीं है, गुजरात में भी अभी मैं डॉक्टर बिलाल से बात कर रहा था तो नीट का ज्यादा ट्रेंड है, 20-25 साल बच्चे नीट में बैठते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स 2036 में है, हम लोग शायद जिंदा रहेंगे पता नहीं, लेकिन 2036 में व्हाइट कॉलर जॉब उसी को मिलेगा जिसके पास मैथ्स का इल्म हो। आवाज आ रही है सबको? अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते आप, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। देखो उस बच्चे ने कुछ चीज लिखा, ये नहीं ना, बच्चे ने कुछ चीज लिखा, ध्यान से देखो आपका नाम क्या है, ऐसे ये पढ़ो जोर से पढ़ो, जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। 19 का टेबल बताओ, कोई बताएगा 19 का टेबल? आप स्टूडेंट है, टीचर है? हाँ आजा आजा, उससे ले बैठ, नसीन बैठ जा। आप क्या करना चाहते हैं नसीन? आप लिखो, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो 10th हो गया, डॉक्टर बनने के लिए कौन सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ? एग्जाम नीट, तो नीट के अलावा कुछ सोचा नहीं है। अच्छा यहाँ डॉक्टर बिलाल सब कहाँ गए? आप लोग मैथ्स लेंगे ना 11-12 पे? नहीं लेंगे, क्या ट्रेंड होता है डॉक्टर साहब 11-12 में? बच्चे जो नीट जाना चाहते हैं वो मैथ्स लेते हैं नहीं लेते हैं? नहीं लेते। 20% बच्चे नहीं, नहीं लेकिन 11-12 में वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ मैथ्स लेते क्या? ये सबसे बड़ा फॉल्ट है, याद रखना, मतलब ड्यूअल सब्जेक्ट नहीं रहते याद रखा। किसी बहन ने मुझे पूछा था कि नीट के रिगार्डिंग सवाल करो, तो मेरा पहला सवाल यही है आपका कि जब बच्चा नीट करना चाहता हो 11th और 12th में, उसको मैथ्स लेना जरूरी है। आपके सब्जेक्ट जो होना चाहिए वो फिजिक्स, वेरी गुड वेरी गुड, क्या नाम है आपका? फिजिक्स भी होना चाहिए, केमिस्ट्री बायो नीट के लिए चाहिए, लेकिन अगर आपने मैथ्स नहीं लिया, अगर आपने मैथ्स नहीं लिया तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको बहुत टफ जाएगा, इसलिए आपको मैथ्स लेना जरूरी है। इंग्लिश तो रहता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट होते हैं डॉक्टर साहब, 6वां सब्जेक्ट क्या होता है? कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर ले लेगा। ये अक्सर लोग ये गड़बड़ करते हैं कि मैथ्स छोड़ देते हैं, नीट करना हो तो भी आपको 11-12 में मैथ्स लेना है, ठीक है? इससे आप बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए भी क्वालिफाई होते हैं, कई कंट्रीज में भी अगर आप मैथ्स नहीं लिए तो आपको अच्छा एडमिशन नहीं मिलेगा। बैठ जाइए, आपका नाम बताइए। क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या एग्जाम? टीचर बनना चाहते हैं, ताली बजाओ। दुनिया में अभी सबसे ज्यादा कमी टीचर की है, टीचर बनना चाहते। टीचर बनने के लिए अभी आपने क्या पढ़ा? अभी 10th हुआ, 12th हुआ, 10th हुआ,
तो टीचर बनने के लिए क्या करना चाहिए? टेंथ में आए अभी, अभी टेंथ में, तो टेंथ के बाद क्या करेंगे आप? सोचा नहीं? टीचर बनने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई भी चीज़ में ग्रेजुएशन होना है और उसके बाद नॉर्मल यहाँ प्रोसेस है बीएड, लेकिन टीचर के लिए आपको पैशन होना बहुत जरूरी है। तो वेरी गुड दैट इफ यू वांट टू बिकम टीचर। आपको पता है सबसे ज़्यादा पैसा एक टीचर को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में मिलता है। स्कैंडिनेवियन कंट्री को कोई नाम बताएगा? उसका बेस्ट एग्जाम्पल फिनलैंड। कितने लोगों ने नाम सुना है फिनलैंड करके कंट्री का नाम सुना है क्या? फिनलैंड में टीचर बनेंगे तो सबसे ज्यादा पेमेंट मिलता है और उनका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे अच्छा है। तो फिनलैंड का मॉडल यूज करना है अगर हमको टीचर बनना है। उनका हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज्यादा है। देखो ये मैं ट्रिक बताता हूँ, आपको ट्रिक पता है? बताइए। एक है फिर यहाँ पर दो उम्र के तीन, फिर दो, फिर पांच, फिर सात, नौ, ग्यारह, तेरह, पंद्रह, सत्रह, उन्नीस, फिर उल्टी आठ, सात, छह, पांच, चार, तीन, दो, एक, जीरो। सबके समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो ये आसान हो गया। अच्छा अभी यहाँ सब मुस्लिम क्राउड है, कितने लोगों को पता है कि ये कुरान के अंदर 19 का मेंशन है, उलमा इकराम भी है। अल्लाह ताला ने कुरान में 19 का जिक्र किया है। कौन सा सूरा है, कौन से सूरे में 19 का जिक्र है? बैठ जाइए। 19 का जिक्र कौन से सूरे में किया है? असद सर कहाँ गए सर? पीपीटी स्टार्ट करो। कुरान के अंदर अल्लाह ने 19 का मेंशन किया है। कितने लोगों ये पता है कि कितने सूरे हैं कुरान में? 114। तो 114 किसका मल्टीपल आता है? पीपीटी स्टार्ट करो टाइम का। 19 वंजा कितना? 19। सबसे पहला जो आयत नाजिल हुई थी वो कौन सा आयत नाजिल हुई थी? हाँ इकरा। टोटल नंबर ऑफ आयत जो नाजिल हुई थी ना, वो ये नंबर कितना था उसका? 19। 19 टू सा 38। जो रहमान और रहीम जो वर्ड्स है ना कुरान के अंदर, उसका इतना दखल है 38 का। कुरान ये जो वर्ड है ना कुरान, वो 57 टाइम्स है। और आप देखो 114 इधर भी आ रहा है। आ रहा है 114। 96 का कितना आ रहा है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सूरज इन कुरान। किसी ने इसके बारे में सोचा नहीं है, लेकिन कुरान के अंदर 19 का बहुत बड़ा दखल है। कुरान के अंदर कोडिंग है। कितने लोगों समझता है कोडिंग? कोडिंग समझता है? जैसा कुरान के अंदर कोडिंग में अल्लाह ताला ने कुरान में मक्का के बारे में 3 मर्तबा मेंशन किया है। कितने मर्तबा? मक्का। लेकिन 2 ही मर्तबा मक्का का है और 1 मर्तबा बक्का का है। तो वो जो बक्का वाली आयत है वो गोल्डन रेशियो पॉइंट है। किसी को पता है गोल्डन रेशियो क्या होता है? जिनको नहीं पता मैं इस पर बात करना नहीं चाहता। और पीपीटी स्टार्ट होने के लिए मैं आपको मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि कुरान के अंदर भी मैथ्स है। तो गोल्डन रेशो पॉइंट है हमारा। काबा जो है वो गोल्डन रेशो पॉइंट है। और जितने भी आर्किटेक्ट्स है, आर्किटेक्चर पढ़ने वाले, वो गोल्डन रेशो को अलग से पढ़ते हैं। तो जो आयत जिसमें अल्लाह ने बक्का का मेंशन किया है वो गोल्डन रेशो पॉइंट है। तो पूरे दुनिया का जो सेंटर पॉइंट है वो बक्का मक्का है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक बात मैं आपको बताऊंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये 21 का स्क्वायर कितना था? 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। 23 का स्क्वायर कोई बताएगा? 23 का स्क्वायर इसको 24 का स्क्वायर 576। 25 का स्क्वायर 625। 3 और किसी का जिक्र नहीं किया। बाकी सारे सूरों में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग जगह अलग अलग नबियों का जिक्र है, लेकिन सूरे यूसुफ में सिर्फ स्टोरी ऑफ यूसुफ अलैहिस्सलाम है। उसमें 3 चीज पाया जाता है। पहला चीज ये रिंग स्ट्रक्चर,
दूसरा चीज कोहेरेंस और तीसरा चीज सिमेट्री। ये तीनों चीज सूर्य यूसुफ में पाया जाता है। मैं क्या बता रहा समझ के लो, अगर आप सूर्य यूसुफ को 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं, घर जाके देख लेना, सूर्य यूसुफ को 12 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पहला पार्ट और 12वां पार्ट सेम आता है, दूसरा पार्ट और 11वां पार्ट सेम आता है, तीसरा पार्ट और 10वां पार्ट सेम आता है, चौथा पार्ट और 9वां पार्ट सेम आता है, पांचवा और 8वां मैच होता है, 6वां और 7वां मैच होता है, मायने के साथ सूर्य यूसुफ में। उसी तरह से आप देखो, मैं ये नंबर का स्क्वायर बता रहा, मैथमेटिक्स में देखो ये क्या है, ये 41 है, यहां पे भी आपको 41 आएगा, 84 है तो आपको यहां पे भी 84 आएगा, या 29 है तो यहां पे भी आपको 29 आएगा, 76 है तो यहां पे भी आपको 76 आएगा। तो तीन चीज की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, दुनिया जो ऑलरेडी मौजूद है कुरान के अंदर, वो है रिंग स्ट्रक्चर और सिमेट्री और कोहेरेंस, बहुत सारे चीजों में। अभी ऑडियंस 9, 10, 11, 12 का तो मैं बहुत छोटा छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन कैलकुलस पे जाएंगे तो भी आपको ये चीजें मिलेगी। उसका ये बेस्ट एग्जांपल है, देखो चार कितने बार आया, चार, बोलो चार कितने बार आया, दो बार, पांच कितने बार आया, दो बार, छह कितने बार आया, दो बार, सात कितने बार आया, दो बार, तो ये सिमेट्री है। और हर नंबर के स्क्वायर में आपको देखो ये नंबर मिलेगा 1, 4, 9, 6, 5, यहां से देखो 1, 4, 9, 6, 5, किसी भी स्क्वायर ऑफ नंबर्स में सेम नंबर्स रिपीट होते हैं। शॉर्टकट में ये बोलना चाह रहा हूं कि बहुत सारे चीजें जो कुरान के अंदर है जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी लाइफ एंड लाइफ इज गोइंग टू बी मैथमेटिक्स। उसमें तीन चीजें हैं, किसी को पता है एआई का फुल फॉर्म, पता है एआई कौन, बताया क्या, जरा बताओ उसके बारे में, हाँ बताओ क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना जरूरी है, ML मतलब क्या, ML आप क्या करते हैं भजन, हाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तीन चीज चलेगा जिसको मैं अमर अकबर एंथनी बोलता हूँ हमेशा, एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा मशीन लर्निंग और तीसरा डाटा साइंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डाटा साइंस तीनों के तीनों जो है वो 2036 में आपको पढ़ना पड़ेगा, तो अगर आप पढ़ेंगे तो ही उसका फायदा होगा। नहीं चलो बेटे स्टार्ट करो ना, ठीक है, कोई मेरी बात आपको समझ में आ रही है, बाउंसर जा रहा है। मेरा नाम अनीस कुट्टी है और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। 650 बच्चे मेरे इंडिया के आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर करके गए, हिंदुस्तान के ऑफिसर है, हिंदुस्तान की आर्मी नेवी एयरफोर्स में, उसके लिए एग्जाम की तैयारी करना पड़ता है जिसका नाम एनडीए है। तो मैं बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, 35 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, और मेरा मैथमेटिक्स पढ़ाने का बहुत अलग तरीका है, तो नॉर्मल जो लोग पढ़ाते हैं उससे बहुत हटके मैं पढ़ाता हूँ। और तीसरी बात ये मेरे बारे में कि मैं करियर काउंसलर हूँ, आप मुझसे जो भी सवाल करेंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि उसका मैं जवाब दूं। तो अगर आपके पास कोई सवाल हो तो मुझे पूछे, तो मुझे पता चलेगा कि ऑडियंस को क्या चलता, क्या बात करना चाहिए, मजबा दे के बयान करना है। तो कोई सवाल है आपके पास, कुछ पूछना है मैम, आप मेरे को पूछ रही थी नीट के बारे में, पूछो, हाँ बिंदास पूछ सकते हैं आपको, जो पूछना है पूछो, बस वहीं खड़े रहो, पूछो जी। मुझे फर्स्ट वाला नीट के रिलेटेड पूछना, बोलिए ना, नीट के एग्जाम के बाद आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज। तो आपको नीट में, नीट का एग्जाम आपने दे दिया जी, मार्क्स मिल गया? नहीं, मार्क्स मिलेंगे, कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? 500 प्लस तो एक्सपेक्ट किए। वेरी गुड, देखो ध्यान से सुनो, उस बच्ची ने पूछा कि उसको नीट में 500 से ज्यादा मार्क्स मिल रहा हूँ। अच्छा अभी मुझे बताओ, नीट में पढ़ने के लिए कितना पैसे खर्च होते हैं, अंदाजन सब बोल सकते हैं? हाँ, फ्री सीट मिल गया तो भी कितना पैसा खर्च होता है? उस बच्ची को 500 के ऊपर मिल गया समझो, फ्री सीट में क्या फीस होता है सर? यहाँ 3 लाख, 3.5 लाख, 3.5 लाख विदाउट हॉस्टल, सही है?
फ्री सीट बोलते हो 15,000 है। हाँ हाँ, सेमी गवर्नमेंट है जो 3,50,000। मैं आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं जिसमें आप नीट से थ्रू आप डॉक्टर बनेंगे, गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। एमबीबीएस पढ़ने का गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। अफजल भाई, ऐसे एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊंगा आपको। किसी को पता है उसके बारे में? है कोई कोई तो भी? इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको अगर आप एमबीबीएस के लिए आपको 550 से 600 मार्क्स मिल गए, आपने वहां अप्लाई कर लिया, तो आपका शू का लेस का पैसा भी गवर्नमेंट देती है, आपकी पूरी पढ़ाई का पैसा गवर्नमेंट देती है। 4 साल एमबीबीएस कर लिया, 1,00,000 के ऊपर आपको पगार देती है। एमडी कर लो गवर्नमेंट के खर्चे पर, यूरोप चले जाओ गवर्नमेंट के खर्चे पर, 15 साल के बाद रिटायर, आपको जो करना है कर सकते आप। किसी को पता है? आर्मी में उसका पुणे में सेंटर है, उसका नाम है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। क्या नाम है लिख लो आप लोग जो नीट करना चाह रहे हैं ना, उसका नाम लिखो, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। प्रॉब्लम क्या होता है आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में जाने का? प्रॉब्लम ये होता है कि हम नीट तो दे देते हैं लेकिन एएफएमसी का फॉर्म नहीं भरते। नीट तो दे देते लेकिन एएफएमसी का फॉर्म नहीं भरते। एएफएमसी का फॉर्म भरना जरूरी है। तो जब तक आप एएफएमसी का फॉर्म नहीं भरेंगे तो आप एलिजिबल नहीं होते। टोटल 120 सीटें ऑल इंडिया लेवल पे, 120, 100 लड़कों के लिए, 20 लड़कियों के लिए रिजर्व्ड है। लड़कों का 600 तक जाता है, लड़कियों का 550 में हो जाता है। अच्छा, आप ऑफिसर भी बनते हैं और डॉक्टर भी बनते हैं, और आपको रहने के लिए बंगला, आपके बच्चों के लिए नौकर, गाड़ी, सब चीजें सहूलत हो जाती है जब आप आर्मी में एफएमसी में एमबीबीएस करते हैं। ये इदारा पूना में है, आप एफएमसी गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसका अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। अच्छा, जैसे मैंने डॉक्टर साहब बिलाल साहब से बात हो रहा था, 20,00,000 बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का, मुश्किल से बच्चे जिसको 400 के ऊपर मिलते हैं। अगर एक बच्चा 200 ही मिला उसको नीट में, तो वो क्या करेगा, या वो क्या लड़की क्या करेगी? मैं एक ऐसा कोर्स के बारे में बता रहा हूं जो सिर्फ लड़कियों के लिए है। आपको नीट में सिर्फ 200 मार्क्स मिले और आपके माँ बाप के पास पैसा नहीं है और आपको नीट के थ्रू एडमिशन चाहिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज में, तो एक इदारा ऐसा है जिसका नाम एमएनएस है। सर लिख रहे एमएनएस बोर्ड पे, एमएनएस, एमएनएस का फुल फॉर्म है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में सिर्फ लड़कियों के लिए है और सिर्फ लड़कियां ही पढ़ाते हैं और सिर्फ लड़कियों का ही कॉलेज है, और इसका कंडीशन है कि नीट में आपको 200 मार्क्स मांगते हैं। सारे बच्चों को 600 मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, तो 200 मार्क्स मिला तो क्या करना, तो उसका भी सोल्यूशन है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में 12वीं के बाद माँ बाप को 1 रुपया भी खर्चा नहीं आता, बल्कि 4 साल के बाद जब नर्स बन जाती है तो उसको ऑफिसर का रैंक मिलता है और 1,00,000 से ऊपर ज्यादा सैलरी है उसको। एग्जाम का नाम है एमएनएस, लिख लो, एग्जाम का नाम है एमएनएस। और शरिया कंप्लायंट ड्रेस है, पूरा बॉडी भी कवर होता है और आपको कैप भी पहनना पड़ता है जिससे आपके बाल भी नहीं दिखते, और माशाल्लाह सिर्फ लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए ही नहीं। तीसरा ऐसा ही एक एग्जाम है सिर्फ लड़कियों के लिए जो नेवी में है, केरला में, उसका नाम है कोस्ट गार्ड, वो भी सिर्फ लड़कियों के लिए, और ओनली बाय गर्ल्स एंड ओनली फॉर गर्ल्स। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको कोस्ट गार्ड का, तो इसमें भी जाना चाहिए। कोस्ट गार्ड का एग्जाम 12th के बाद उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, सिंपल एग्जाम्पल एग्जाम होता है जिसमें थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा इंग्लिश, थोड़ा एप्टीट्यूड और साइकोलॉजी आना चाहिए। तो ये मेरे बारे में ये बात कर रहा हूं मैं, इस पर एवरग्रीन एजुकेशन फाउंडेशन जो है, ये इदारा है मेरा जो सोशल काम करता है, और मैं अपने आप को 7th Apple Story बोलता हूं। मैं समझाऊंगा क्या है, मेरे पास एडीसी जूनियर्स भी है। हमारा जो अभी नया एजुकेशन पॉलिसी जो बना है गवर्नमेंट का, उस पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो 0 से लेकर 2 तक, 0 ये समझो बच्चा पैदा होने से लेकर 2nd Standard जाने तक आप बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजे। दोबारा बोलता हूं मैं, पुणे में 40% आईटी का क्राउड बच्चों को स्कूल भेजता ही नहीं है, उसको नो स्कूलिंग बोलते हैं, और एक एक घर पे बिठा के पढ़ाते हैं, उसको होम स्कूलिंग बोलते हैं। इसका मकसद क्या है, बात को समझो, जो शमा स्कूल करती है उसी को मैं समझा रहा हूं कि आपका बच्चा जब 6 साल का रहता है तो वो 6 लैंग्वेज सीख सकता है, जब 7 साल का रहता है तो 5 की लैंग्वेज सीखेगा, 8 साल का रहता है तो 4 लैंग्वेज सीखेगा, 9 साल का बच्चा हो जाए तो 3 ही लैंग्वेज सीखेगा। इसलिए हम अपने बच्चों को पहले हाफिज बनाए,
हाफिज बनाया है, उसको अरबिक सिखाया है, उसको कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाया है, जो बहुत ज्यादा फायदा। जब मैंने अभी आज सुबह से बात कर रहा हूँ, बच्चे कनाडा जाना चाहते हैं, बच्चे जर्मनी जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। जर्मनी का ऐसा एक स्कॉलरशिप है मेरे भाइयों बहनों कि 21 लाख, आप लोग तो बहुत गुजराती लोग हैं तो जो बाहर जाने के बाद बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले साल कुछ पैसे लगते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में तो बिल्कुल पैसा ही लगता, उल्टा 1400 रियाल गवर्नमेंट आपको देती है, रियाल नहीं है, यूरो 1400 यूरो, 1000 यूरो में आपका खर्चा हो जाता है, 400 यूरो बचा के लाते बच्चे, 1 यूरो ऑलमोस्ट 100 रुपया है, तो 40,000 घर बेचते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज सीखना जरूरी है बचपन में ही, अगर आपने बच्चों को लैंग्वेज सिखा दिया तो ये बात इजी हो जाता है उसके लिए, तो ये भी बात ध्यान रखो। डिपेंड्स, अब चाइनीज पढ़ाओ मैंडरिन पढ़ाओ तो बहुत ज़्यादा पैसा है उसमें, तो ये भी एक ट्रेंड है। मैं दूसरा जो है मेरा शोभा ये वो अनीस डिफेंस एकेडमी है, ये अनीस डिफेंस एकेडमी जो बात करती है ना, चार एग्जाम के बारे में बात करती है, और ये चारों एग्जाम हर स्टेट के लिए है। मैं महाराष्ट्र से, मैं केरला से हूँ, महाराष्ट्र में रहता हूँ, गुजरात में भी वही चीज है जो महाराष्ट्र में है, केरला में भी वही है जो गुजरात में है। कितने लोगों को पता है नवोदया, नवोदय स्कूल कितने लोगों को पता है? सर जरा आप बताइए नवोदय के बारे में, नहीं जो भी पता है आपको, मैं ऑडियंस को देखना चाह रहा हूँ। हाँ बताओ ना, बताओ, बताने में क्या, मुझे पता चला समझ में आ रही नहीं आ रही, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, मेरी बात समझ में आ रही आपको? नवोदय स्कूल सभी बड़े सिटीज में नवोदय स्कूल्स होते हैं, हाँ इतना मालूम है हमको, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से शायद वो कंट्रोल होता है। आप क्या करते हैं? हम तो जॉब करते हैं। वेरी गुड, ताली बजाओ सर के लिए। क्या नाम आपका? इरफान। नवोदय स्कूल एक डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय स्कूल होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय स्कूल होता है, हर डिस्ट्रिक्ट में। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है कोई बताएगा? अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट का नवोदय किधर है? देखो गूगल करो यार, गूगल करना पाप नहीं है, गलत चीज है गूगल करना, पाप है गूगल करना, कोई पाप नहीं है। नवोदय स्कूल कहां पे है कोई बताएगा? अहमदाबाद का नवोदय स्कूल किधर है? ये स्कूल फिफ्थ स्टैंडर्ड में एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका, फिफ्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड में एंट्रेंस एग्जाम होता है। आपको पता है 20 लैंग्वेज में होता है, कितने? 20 लैंग्वेज में, उसमें एक लैंग्वेज उर्दू भी है, उर्दू भी है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल होता है। आज मैं उवेश भाई के यहाँ पेपर पढ़ रहा था तो उसमें आपके शायद गुजरात के 19 या 20 डिस्ट्रिक्ट है, सही है ना? 28 हो गया शायद, मैंने गलत, हाँ ऑलमोस्ट 33 में 30 डिस्ट्रिक्ट में आपके नवोदय है। देखो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, ये 30 डिस्ट्रिक्ट में नवोदय है, 5वीं से लेकर 12वीं तक वहां एजुकेशन होता है, और एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से फ्री होता है, 72,000 रुपए साल का खर्चा आता है, साबुन का पैसा भी गवर्नमेंट देता है, ऑलमोस्ट 5 लाख रुपया एक बच्चे के पीछे स्पेंड करना है। हमारा गुजरात का आज का रिजल्ट है, मैं आज अफजल भाई को बता रहा था, 70% बच्चे ही SSC पास हुए हैं। कितने परसेंट? 70 स्टेट बोर्ड का। नवोदय का 100% रिजल्ट है, खाना पीना रहने के साथ फुकट है, और हम अपने मोहल्ले में, अपने इदारों में, अपने कम्युनिटी सेंटर में बच्चों को नवोदय का कोचिंग स्टार्ट करना है, फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड के लिए। लैंग्वेज बैरियर नहीं है, गुजराती में भी है, उर्दू में भी है, तो कोई गरीब का बच्चा जब वहां पढ़ेगा तो ऐसा है कि जैसे उसको 5 लाख रुपए डोनेशन देना। तो कितने लोग ये बात को करेंगे? जरा हाथ ऊपर करो, किसकी बात को चलाएंगे नवोदय के बारे में? वेरी गुड, जरा गलत है। तो ये नवोदय हमने उसको भूल गए, हम उसको छोड़ दिए, ये रूरल एरिया में होता है, अगर इसको करने से बहुत फायदा होगा उसका, कुछ ड्रॉबैक्स लोग बताते हैं, लेकिन हर अच्छाई में बुराई भी होता है, लेकिन इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा जो एग्जाम जो मैं अनीस डिफेंस में करता हूँ ना, उसका नाम है सैनिक स्कूल। कितने लोग सैनिक स्कूल को जानते हैं? किधर है सैनिक स्कूल? जामनगर में। क्या नाम से? बालाचड़ी बोलेगा ना उसको, बालाचड़ी। जानते हैं आप उसको किधर? नहीं नहीं, एक ही है, एक स्टेट में एक ही होता है, गुजरात में शायद दो है। बोलिए आप कहां पे? जामनगर बालाचड़ी। जामनगर बालाचड़ी, और किधर बताया आपने? जामनगर में पढ़ता है। जामनगर में पढ़ता है, और आपको कैसे पता चला? नासिक में भी है। नासिक ना, महाराष्ट्र। आप गुजरात से? आपको कैसे पता चला इसके बारे में?
न्यूज वगैरह किसी का बच्चा पढ़ता है सैनिक स्कूल में? किसी का बच्चा पढ़ता है क्या? किसी ने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया था? कितने बच्चे अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहते हैं? मैंने गुजरात में बोर्ड देखा रिक्शा के पीछे, आईएएस बनाओ छो, आईपीएस बनाओ छो, ऐसे लिखता कुछ तो, मुझे गुजराती आती नहीं है लेकिन वो भी गुजराती में लिखा था। तो ये अगर आपके बच्चों को, अगर आपको आईएएस बनाना है आईपीएस बनाना है तो आपको अपने बच्चों को नवोदय का एग्जाम दिलाना है, पांचवी में, छठवीं में सैनिक स्कूल का एग्जाम दिलाना है। देखो हिंदुस्तान में कोई कानून नहीं बना कि एग्जाम में पास हो तो जाना ही पड़ेगा, कोई कानून नहीं ऐसा, आपको बोर्ड लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप वो गवर्नमेंट का एग्जाम देंगे ना, आपको पता चलेगा कि आपका बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, उसका क्या लेवल है स्कूल की पढ़ाई में। आप आपके बच्चों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं ले जा सकते, तो सैनिक स्कूल का एग्जाम का पढ़ाई आपको अपने बच्चों से करवाना पड़ेगा। जाना नहीं जाना वो बात की बात है, वो आप डिसाइड करो, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन सैनिक स्कूल का एग्जाम हर छह महीने में होता है, उसका एग्जाम को अपने बच्चों को बिठाना है। ये एग्जाम सिक्स में होता है, नाइन्थ में होता है और इलेवेंथ में होता है, सिक्स नाइन्थ और इलेवेंथ, इसका एग्जाम आपको दिलाना है, दिलाएंगे इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बच्चों को आगे बढ़ाना है तो उसके मोहल्ले में इसके बारे में बताना चाहिए। तीसरा एग्जाम है आरएमएस, आरएमएस जो है ना उसका नाम है फुल फॉर्म है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में पांच है, देखो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आप समझ जाओ, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल इंडिया में पांच है, एक अजमेर में है। कितने लोग अजमेर जानते हैं, हाथ ऊपर करो, सब लोग अजमेर जानते हैं, लेकिन कोई बच्चा अपना नहीं है उधर, ज्यादा ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। दूसरा बेलगाम में है, बेलगाम में मैं गया, कॉलेज के बाजू में सब फ्रूट बेचने वाले अपने लोग हैं, लेकिन कोई बच्चा अंदर नहीं है। बैंगलोर में है, राजस्थान में है और शिमला में है, इसमें भी पूरा पढ़ाई खर्चा गवर्नमेंट देती है और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चा पढ़ने से इंडिया के नेवी एयर में, आर्मी में और एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकता है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसकी एग्जाम की तैयारी करने से आपका बच्चा आईएएस और आईपीएस बनेगा। ये भी एग्जाम सिक्स में, नाइन्थ में और इलेवेंथ में होता है, इसका भी कोचिंग मैं पुणे में कराता हूं। चौथा एग्जाम जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो पूरे हिंदुस्तान में एक है, कल उसका एग्जाम खत्म हो गया पूरे हिंदुस्तान में, और मैं ये लाइव बोल रहा हूं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, और हमेशा बोलते रहता हूं इस बात पे कि दुनिया में, पूरी दुनिया में इससे टफ एग्जाम कोई नहीं है, पूरी दुनिया में आरआईएमसी से टफ एग्जाम कोई नहीं है। आरआईएमसी का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और ये है देहरादून में, सहारनपुर वाले मेरा पूरा पट्टा वहां देहरादून में, देहरादून सहारनपुर वालों को पूछा उनको भी नहीं मालूम क्या है। एक स्टेट से एक ही बच्चा जाएगा, इमेजिन करो पूरे गुजरात से एक ही बच्चा जाएगा, पूरे गुजरात से एक बच्चा, पूरे महाराष्ट्र से एक बच्चा, तो एग्जाम कितना टफ रहेगा। ये एग्जाम होता है सिक्स का बच्चा एट पे जाता है, वहां सिक्स का बच्चा एट पे जाता है। सर वो बच्चे का फोटो डाल सकते आप, अफरोज अफरीद का है आपके पास? पैम्पलेट भी बनाया था ना सदम फैम ने भेजा था मेरे को, सदम फैम ने देखो ये सर देखो सर ये फोटो इसको देखो ये लगो हाँ। मेरे को कुछ याद आई, मैं ऐसा सोच समझ के बात नहीं करता, ये हमारे शाहरुख सर है जो हमारा मैथ्स का टीचर है, और ये बच्चा हमारा नहीं है, हमारे पास नहीं पढ़ा, हमारे पांच बच्चे पास आउट हुए तो हम लोग को एनडीए में पासिंग आउट परेड होता तो वहां गया। इस बच्चे का नाम है अफरोज अफरीद अफरोज, क्या नाम है? अरे जोर से बोलो, कम से कम नाम तो बोलो। हाँ ये बच्चा हमारा नहीं है, वो हमारी हुलिया को देख के हमारे पास आया। इसके अब्बा जो है वो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर है, और ये लड़का आरआईएमसी में टॉप करा जो स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, आरआईएमसी बता ना, ये बच्चा वो आरआईएमसी में पढ़ा है, वो बच्चा आरआईएमसी में पढ़ा है, वहां पे टॉप किया। उसके बाद उस बच्चे ने एनडीए के एग्जाम क्लियर किया, और एनडीए में एग्जाम लाने के बाद ये उधर ऑफिसर बना। और ये जो बच्चा है ये पूरे 400-450 बच्चे में फर्स्ट आया है, किसी न्यूज़पेपर ने इसको कवर नहीं किया, छोटा सा एक आर्टिकल आया, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के जितने अफसर बनते, मेरे भी पांच बने, लेकिन ये जो बच्चा जो है ये अफरोज अफरीद,
ये फर्स्ट आया है, उसको प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला है। आप समझ रहे हैं मैं बात कर रहा हूं? तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कितना जरूरत है, और कोई इसमें कोई हमें ये नहीं, मसला नहीं है, जाना चाहिए बच्चा। हमको देखे हमारे पास आया, सलाम दुआ किया और फोटो खिंचवाया। बोलने का मकसद क्या है, ये आरएमसी की बात याद आई करके इसकी याद आई, ये बच्चा आरएमसी में गया करके एनडीए में आया। हमारे जो स्कूल की पढ़ाई है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए, 10 साल की जो स्कूल की पढ़ाई है ना वो हमारा वो लेवल का नहीं है जिसके साथ हमारे को प्रॉब्लम होता है 11th और 12th में। 20 लाख बच्चे नीट के लिए बैठते हैं, सिर्फ मुश्किल से 1 लाख बच्चे डॉक्टर बनते हैं, जानवर का क्यों ना, बाकी 19 लाख बच्चों का क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो 400 भी 200 भी कवर नहीं कर पाता। उसकी वजह ये है कि हमारी स्कूल लाइन की पढ़ाई सही नहीं है। मेरा फेवरेट डायलॉग है, अभी मेयर को आप देखो, मुझे 4 चपाती लगती है खाने के लिए, आप मुझे फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक 2 ही चपाती दे रहे खाने के लिए, भुक्का मार रहे हैं, और उसके बाद 10th के बाद बोल रहे हैं कि हर साल का जो 2 चपाती है ना 20 चपाती वो 11 ही मार के एक साथ खाओ, तो बच्चा उल्टी करेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा आपको? तो मैंने आपको 4 एग्जाम के बारे में बताया, क्या क्या 4 एग्जाम है बताइए। हाँ, नवोदय 1, सैनिक स्कूल 2, आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो हिंदुस्तान में 5 है, और आरआईएमसी जो 1 है देहरादून में। ये 4 ही एग्जाम के बारे में बात करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करता, इसी पर मेरा दी एंड होता है, क्योंकि अगर ये 4 एग्जाम के ऊपर अगर आप बच्चों को अपने पढ़ा लिया, आपके बच्चे आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे। दुनिया का कोई भी एग्जाम क्रैक करेगा, फिर आपको कनाडा जाना है ना तो सैट और एक्ट का एग्जाम भी बगैर क्लास का वो क्लियर करेगा, टोफल भी क्लियर करेगा, आईएलटीएस भी क्लियर करेगा। मैं ये बता रहा हूं दुनिया का कोई भी एग्जाम वो बच्चा क्रैक करेगा, फिर जेडब्ल्यू हो, नीट हो, जो भी हो, जब आप अपने बच्चों को ये 4 एग्जाम को क्लियर करवाएंगे। चारों हिंदुस्तान के गवर्नमेंट का एग्जाम है, अनीस क्लासेस का एग्जाम नहीं है, नेशनल लेवल पे एग्जाम होता है, वो एग्जाम वही बॉडी कंडक्ट करता है जो नीट कंडक्ट करता है। ये चारों एग्जाम को एनटीए करके बॉडी है हमारा हिंदुस्तान का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वही कंडक्ट करता है चारों एग्जाम को, नीट का भी और जेडब्ल्यू का भी। और एक एग्जाम है जिसके बारे में आपको पता है कि बोले सीयूईटी, कितने लोग जानते हैं सीयूईटी को, और कौन जानता है सीयूईटी के बारे में, कम बच्चा, जरा स्पीक ऑन सीयूईटी, वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए, कम 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 यहां, टेल मी व्हाट यू नो अबाउट, व्हाट हैव यू डन, व्हाट्स योर नेम, अलीना, हां स्पीक, इट्स द कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इट्स फॉर अंडरग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट, आई हैव गिवन द अंडरग्रेजुएट रिसेंटली, इट हेल्प्स विद मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल्स लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड अदर स्कूल्स like other universities if you want to get admission there, it's a common test for. How did you come to know about CUT? From school. Which school are you studying in? Udgam. Actually, I've completed my school. Achha, Udgam school. Udgam school. Yes. And 11th and 12th, from where you gave your 11th and 12th? Udgam school. Udgam school. How you came to know about this career counseling? My father came across one of your videos. Achha, so what? He contacted you. So what are you planning for CUT? Where, where? Jamia, okay. Are you aware of TIS? Tata Institute of Social Science. Yes, sir. So why have you not applied for that? No, no. It is for anybody. You have taken commerce, arts. Sir, you can go for any stream, can go for that. Sir, usko aap Tata Institute of Social Science ke bare mein batao. Waisa uska decision bahut acha hai. वो बच्ची का नाम एलिना है और उससे बहुत अच्छी से बात किया, वो चाइल्ड साइकोलॉजी करना चाह, क्लिनिकल साइकोलॉजी करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी। आपको ये पता होना चाहिए कि क्लिनिकल साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस, जैसा भी ये बच्चा है ना ऑफिसर बना, तो ये 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं एनडीए का, जिसका मैं ट्रेनिंग करता हूँ पूना में, 11th और 12th के बाद एग्जाम होता है, आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, कोई भी बच्चा एग्जाम दे सकता है, और वो 8 लाख बच्चों में से 8,000 बच्चे, सर लिखो ना, इसका फोटो ले लो, आप लोग फोटो ले लो और बाद में बुझा देंगे इसको, 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 8,000 बच्चे रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं, और 8,000 रिटर्न क्लियर करने के बाद 800 बच्चे ही 5 दिन के इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट होता है। ध्यान से मैं क्या बता रहा हूँ, 5 दिन का इंटरव्यू, वो बच्ची एलिना जो बात कर रही थी ना, वो 5 दिन के इंटरव्यू में 12 लोग पैनल में बैठते हैं, इंटरव्यू पैनल में, उस 12 लोग में हिंदुस्तान में 19 जगह है जहां ये इंटरव्यू चलता है,
अभी रिसेंटली पंजाब में कपूरथला करके जगह है, वहां पे भी ये पैनल बनाया। लेकिन 19 जगह एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है, और वो साइकोलॉजिस्ट हमेशा लड़की होती है, और वो साइकोलॉजिस्ट का डिग्री है एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ने से हमारे लड़कियों को अच्छा जॉब मिलेगा। अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, वो नया एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी हर स्कूल के टीचर को, हर स्कूल के मैनेजमेंट को एक एमए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को रखना पड़ेगा। तो अगर आपको एमए क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है अच्छे कॉलेज से, तो आपको वो बच्ची ने जो बताया वो एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम का नाम है CUET। क्या एग्जाम का नाम है, जोर से बोलो। जैसा नीट में 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया ना, JEE में 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, वैसा इस साल हिंदुस्तान में CUET में 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 18 लाख बच्चों ने CUET का एग्जाम दिया। उस बच्ची को मैं बता रहा था, एक इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में बहुत फेमस है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। किसी ने इसका नाम सुना है क्या, कोई नाम सुना है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस? क्या सुना है उसके बारे में, आइए बताइए। मैं इसके लिए पूछ रहा हूं कि बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है, ऑडियंस जैसा बताएगा उसके ऊपर मैं बात करूंगा। साइकोलॉजी की MSW जो मास्टर ऑफ सोशल वर्क वगैरह की वहां पे पढ़ाई होती है टाटा इंस्टीट्यूट, उसकी हेड ब्रांच आई थिंक बॉम्बे में, चार सेंटर है उसका, बॉम्बे में भी है उसका, तुलजापुर में भी है, उस्मानाबाद में भी है। लेकिन ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में अगर बच्चा जाएगा ना तो अच्छा जॉब मिलता है, लेकिन उसके लिए CUET का एग्जाम देना पड़ता है। सारे बच्चे डॉक्टर और सारे बच्चे इंजीनियर नहीं बनने वाले हैं, ये गड़बड़ है। 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया JEE का दो बार, 2 लाख बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, 20 लाख बच्चे नीट का दिया, 2 लाख बच्चे डॉक्टर बनेंगे, चाहे हिंदुस्तान से बने या रशिया से बने, कजाकिस्तान से बने या बांग्लादेश या फिलिपाइन से बने, बाकी 18 लाख माल का क्या? तो ये हमको सोचना है, करियर काउंसलिंग बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे चीजें रहते हैं जिसका अगर हमने एक साल भी पढ़ लिया, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग, वो करोड़पति बन सकता है, और फुकट कोर्स है, Udemy करके वेबसाइट है, जहां फीस भी देने की जरूरत नहीं, फ्री में पढ़ते पढ़ते हैं। Udemy है, कोर्सेरा है। अभी आज एक चीज आया, मैं आपको बताऊं, टाटा का तरफ से 15 दिन का कोर्स है मेरे मोबाइल में, इसमें भेजा निखिल, एनएचए निखिल ने भेजा, टाटा का 15 दिन का कोर्स है। अगर वो 15 दिन का कोर्स किया ना तो आपको टाटा खुद जॉब देती है। आज की बात बता रहा हूं, उसको ग्रेड लिखा, मैं ग्रेड किधर लिखा, चेक करो देखो, इसको प्ले कर सकते हैं, देखो। टाटा का 15 दिन का कोर्स है जिसमें आपको जॉब देता है। तो मेरा बोलने का मकसद है कि हमको स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज करना है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जैसा CV रमन इंस्टीट्यूट है जो आसाम में है, लेकिन आपको जॉब मिलेगा। अभी मुझे कोई बता रहा था कि करियर काउंसलिंग करते हमारे डॉक्टर बिलाल साहब, तो किसी बच्चों को प्लास्टिक में भी इंजीनियरिंग मिला, वो इंस्टीट्यूट का नाम है CPET, ये ओडिशा में है, लेकिन गवर्नमेंट सीट है उसका। और एक इंस्टीट्यूट ओडिशा में नाइसर, जिसमें पढ़ने से आपको फॉरन जॉब मिल जाता है। ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है, आपके गुजरात में एक इंस्टीट्यूट है, मैं अभी सत्सर को बता रहा था, अमूल, कितने लोगों को अमूल मालूम है, आनंद, आपको बाबू मालूम मालूम नहीं है, लेकिन आनंद का खुद का कॉलेज है, वहां अगर आपने डेयरी पढ़ लिया तो आपको जॉब मिलता है वर्ल्ड ओवर। और एक इंस्टीट्यूट है बड़ौदा में जो रेलवे में आपको MBA देता है, ये पूरी दुनिया में किधर नहीं है, सिर्फ बड़ौदा में है, रेलवे में MBA इंटीग्रेटेड 5 साल का कोर्स है, BBA प्लस MBA, आपको रेलवे में जॉब मिलता है। और सबसे भारी इंस्टीट्यूट गुजरात में, जो मैं अभी अफजल भाई को बोला कि मेरे को दिखाओ, उसका नाम है EDIA, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद। सर बोलिए ना, सर उठो, ये अपना सबके लिए सर, EDIA में अभी 9th, 10th के स्टूडेंट के लिए और 11th, 12th के स्टूडेंट के लिए समर कैंप चल रहा है। 27,000 रुपीज उसकी फीस है। इंडिया के सबसे अच्छे बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे वहाँ आए हुए हैं।
हमारा भी एक बच्चा कल से ज्वाइन किया है। पानी जैसे बहुत सारे समर कैंप नाइजर में होते हैं, आइजर में होते हैं, ईडीआईआई में होते हैं, अभी तो आजकल तो आईआईएम ने भी शुरू किए, तो वहाँ बच्चों को पार्टिसिपेट करवाएंगे तो ये कॉम्पिटिटिव नेचर अर्ली एज में शुरू हो जाएगा। आइसर के बारे में बताओ सर, थोड़ा आइसर के बारे में। नाइजर नाइजर नेस्ट की एग्जाम 12 के बाद देना है हमको, वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। नेस्ट की एग्जाम के बाद नाइजर के 5 कैंपसिस है इंडिया में, वो कैंपसिस में आपको डायरेक्टली एडमिशन मिलता है। नाइजर में बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स भी आप कोर्स कर सकते हैं साइंस के रिलेटेड सब्जेक्ट पर। आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसी चीजें मिलते हैं, वो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नहीं क्या, वो सारे इससे ज्यादा ये सारे चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा ग्रुप में आप अटैच होना चाहिए जहाँ पे आपका करियर काउंसलिंग होता है। तो मैं ये बता रहा था, जैसे सर ने बोला ना डबल आई एस सी आर, कितने लोगों को पता है डबल आई एस सी आर, कोई बताएगा? एनीबॉडी? कितने लोग नीट करना चाहते हैं? नीट जरा हाथ ऊपर करो, अपने बच्चों को नीट करवाना चाहते हैं। अरे मेरे भाव बहनों डरो मत, मैं कुछ मारने वाला नहीं, हाथ ऊपर करो, सीधा हाथ को पोलियो के हाथ ऊपर करो। हाँ, अपने बच्चों को नीट करवाना चाहते हैं, तो जो अपने बच्चों को नीट करवाना चाहते हैं ना, उसमें आपको ये भी बताना चाहिए, एग्जाम में लिखा है उसका नाम लिखो आई आई एस ई आर, सर लिखो जरा आई आई एस ई आर, इधर है ये लिखो आई आई एस ई आर, आई आई एस ई आर। ये पूरे हिंदुस्तान में 9 ब्रांचेस है, सबसे अच्छा कलकत्ता में, दूसरा नंबर पूना पे है। आपको पता है आप लड़कियों के लिए पढ़ाई फ्री है, उल्टा आपके लड़कियां पढ़ेगी तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा, पढ़ने के पैसे मिलेंगे। तो सारे सारे डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं, डबल आई एस सी आर में डॉक्टर से ज्यादा अच्छा पैसे मिलेगा, करोड़ों रुपए का पेटेंट के लिए वो लोग फंडिंग मिलता है अगर आपने कुछ रिसर्च किया तो। इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। और एक है एग्जाम है, बच्चों लोग जो बायोलॉजी पढ़ते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकते, उस एग्जाम का नाम है आईसीएआर, लिखो ना सर आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर की जरूरत पड़ती है, और वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका चलन किसी को नहीं है, गुजरात में तो बिल्कुल नहीं है। एग्जाम का नाम है आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते अपने एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक पोस्ट खाली रहता उसका, इसका भी एग्जाम दे सकते आप। हाँ, डबल एस सी आर बोल दिया मैंने, आई ए आई आई एस सी आर होगा, उसी को बोलते डबल एस सी आर, उसी इंस्टीट्यूट का नाम है डबल एस सी आर। ये पूरे इंडिया में 9 है, बेस्ट इन कोलकाता, सेकंड बेस्ट इन, हाँ 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 भोपाल में भी है, वो थर्ड फोर्थ रैंक पे आता है, सेकंड रैंक जो है पुणे है। और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट ले सकते हैं, और आप रिसर्च कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए तो लॉजिंग बोर्डिंग का पैसा भी गवर्नमेंट देता है, बॉयज के लिए नहीं देता है, गर्ल्स के लिए तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। हमारे बच्चे एग्जाम देते ही नहीं उसका, हाँ उसका एग्जाम है, फॉर्म भरा तो 17 जून को उसका एग्जाम है, अभी तो दे नहीं सकते, जिन्होंने फॉर्म भर लिया भर लिया। पहला एक एग्जाम होता था स्कॉलरशिप का केवीपीवाई, अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया उसको, उसके थ्रू भी होता था, वो बंद कर दिया अभी, उसका नाम भी इंस्पायर रखा। देखो मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज बोल सकता हूँ, आप मुझे पूछेंगे तो उस हिसाब से मैं बात करूंगा आपसे, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपको मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। तो कोई क्वेश्चन आपको पूछना है मेरे पास बताने के लिए? आपके पास बहुत चीज है लेकिन आप पूछेंगे तो बताएंगे। स्किल डेवलपमेंट, हाँ हाँ, स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ गुजरात स्टार्टअप पे बहुत खर्चा करती है। उसमें ध्यान से सुनो, कितने लोगों के रिश्तेदार दुबई में है? दुबई में रिश्तेदार है हमारे दुबई में। हाँ मैं आपको एक चीज बताता हूं जो आपके बहुत फायदे की है, अगर आपका बच्चा 11वीं 12वीं हो गया, लड़का हो या लड़की हो, इंडिया का एक टॉप इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बिट्स पिलानी। कितने लोगों ने इसका नाम सुना? बिट्स पिलानी का नाम सुना? बिट्स पिलानी का 4 कैंपस है, एक राजस्थान में है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल साइंस, दूसरा गोवा में और हैदराबाद में है। गोवा के आईआईटी से अच्छा ही है बिट्स पिलानी, हैदराबाद के आईआईटी से अच्छा ही है बिट्स पिलानी। इसका एक कैंपस है दुबई में जहां पे फीस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगर आपका बच्चा नेशनल खेला हो तो आपको 50% फीस पे डिस्काउंट मिलता है। आपके बच्चों को मैं ये बोलूंगा बिट्स पिलानी में इंजीनियरिंग में एडमिशन इसके लिए लो, वो स्टार्टअप के लिए आपको 1 साल ड्रॉप लेने का इजाजत देता है, 4 साल के डिग्री में 200 दिन आपको डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस देता है। उससे बड़ी बात,
आपका बच्चा अगर 18 साल का हो गया तो सुबह फजर के बाद 7 बजे से 2 बजे तक स्कूल होता है, जोर के बाद लीगली आपका बच्चा काम कर सकता है, पैसे कमा सकता है फर्स्ट ईयर में ही। 25 दिरहम देते हैं, कितना, 1 घंटा काम करने का, 4 घंटा काम करने कितना हो गया 100 दिरहम, महीने का कितना हो गया 3000, 3000 जो दिरहम बोले तो कितना हो गया, कुछ बात समझ में आई मेरी बात, पढ़ाई भी कर रहा पैसे भी बनाएगा, सिर्फ उसका स्टार्टिंग का पैसा ज्यादा होता है। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार हो या कोई स्पॉन्सर मिल जाए, उस बच्चे का खाना पीना फ्री में हो जाए या कम पैसे में हो जाए तो बच्चा वहां सर्वाइव करेगा, क्योंकि हॉस्टल का चार्ज भी उतना ही जितना कॉलेज का फीस है, तो समझो किसी तरह से कॉलेज का फीस भर दिया तो हॉस्टल उसको फ्री हो जाना चाहिए। तो अगर कोई रिश्तेदार हो तो सोने पे सुहागा। हाँ हाँ, तो बिट्स पिलानी एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत जबरदस्त है और आपको फॉरन आपको जॉब मिल जाता है फर्स्ट ईयर से। वहां उनका एक लेक्चर हुआ था पुणे में, वहां उनके जो वेरियस डिपार्टमेंट है ना, वो डिपार्टमेंट में ही आपको एब्जॉर्ब कर लेते हैं बच्चों को। मैं दुबई एक्सपो में उनके स्टॉल में गया था तो बच्चे ही स्टॉल पे खड़े टी शर्ट लगा के अपने स्कूल के बारे में वही मार्केटिंग कर रहे हैं। मैं बोला क्यों करा भाई, बोले पैसे मिलते हैं। बोले कितने पैसे मिलते हैं, बोले 25 दिरहम मिलते हैं घंटे के। तो गरीब बच्चे एकदम, बहुत पैसे वाले बच्चे नहीं थे इंडिया के थे, तो वो लोग काम कर रहे हैं 4 घंटा कम से कम काम कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि 2 बजे कॉलेज छुट्टा ना तो उनको इतना काम मिल जाता, बच्चे होशियार होते हैं, फर्स्ट ईयर में ही बच्चे बैठ के बाहर का वर्क फ्रॉम होम काम लेते हैं और वहां बैठ के काम करते हैं। और दुबई में ऐसा है ना कि इंडियन मनी में सोचते ना हम दो, और दुबई वाले इंडिया को काम इसलिए देते, ये बच्चा इंडिया के साइकोलॉजी सोच रहा, तो दिरहम के मुकाबले में उसको रुपया उन लोगों के लिए आसान है तो वो दे देते। और कॉलेज के बच्चों को क्या चाहिए कि हमारा खर्चा पानी निकल जाए, तो काम बन रहा उनका और लीगल है, लीगल है, ऐसा नहीं कि इलीगल काम कर रहा है, लीगल है, 18 साल के बाद वो काम कर सकता है, ये भी बता रहा हूं। ये कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा ये आइडिया जो मैंने बताया। हाँ, मेरा कंसेप्ट है नर्सरी टू नौकरी। बोलो जोर से, क्या बोला मैंने, नर्सरी से लेके नौकरी तक। नर्सरी में अगर हम सही जाएंगे तो 12वीं के बाद नौकरी मिलेगी, माँ बाप के पैसे पे नहीं पढ़ना। देखो गर्ल्स, कितने गर्ल्स है जिन्होंने जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया, गर्ल्स जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया। आसिफ कौन सा एग्जाम दिया, भाग गया, किधर गया, तूने कौन सा एग्जाम दिया, जेडब्ल्यू। और कौन है बॉयज में जो जेडब्ल्यू का एग्जाम दिया। देखो बच्चों लोग, हमारे मुस्लिम कल्चर में हम बच्चों को कॉलेज भेजना नहीं चाहते। कितने लोगों ये बात मालूम है कि 12वीं के बाद आप 2 डिग्री एक साथ कर सकते हैं, 12वीं के बाद आप अपने बच्चों को 2 डिग्री एक साथ करा सकते हैं। एक गुजरात में कराओ, एक डिग्री अगर उस बच्चे का मैथ्स अच्छा हो या उस बच्चे को कंप्यूटर्स पसंद हो। तो मैंने 3 चीज आपको बताया था, अगर आप भूल गए नहीं तो, AI, ML और DS। AI मतलब, जोर से बोलो, AI मतलब इतना मालूम तो होना चाहिए, AI क्या, जोर से बोलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ML मशीन लर्निंग, DS डाटा साइंस। 2036 में इसी पे जॉब मिलेगा। चेन्नई आई आई टी आपको घर बैठ के डिग्री देता है, ये बात कितने लोगों को मालूम है, देखो मालूम है, माशाल्लाह, जरा बता, बहुत अच्छी बात। मद्रास का नाम अभी चेन्नई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे थोड़ा टाइम पहले उन्होंने कोर्स निकाला था, तो मैंने अप्लाई किया था, पर उसमें ऐसा था मतलब ऑनलाइन कोर्स था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे, तो मैंने अप्लाई किया था पर उसमें थोड़ा सा सेट नहीं हुआ। और दूसरे भी कंप्यूटर के कोर्स हैं वहाँ पे जो ऑनलाइन होते हैं IIT मद्रास के थ्रू, और IIT चेन्नई भी होती है। IIT मद्रास, IIT चेन्नई एक ही है, याद रख। IIT मद्रास में एक कोर्स है बच्चे लोग, BSc डाटा साइंस लिख लो। आपको IIT मद्रास जाने की जरूरत नहीं है, 3000 का फॉर्म है, फॉर्म भर के 3000 बनने के बाद वो एक हफ्ते का कोर्स मटेरियल देते हैं, 1 महीने का, उसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ने के बाद पास होना पड़ता है। जब पास हो गए तो आपको एक डिग्री के लिए वो लोग एनरोल करते हैं जिसका नाम है BSc डाटा साइंस। 3 साल का कोर्स है, 6 साल तक कर सकते हैं, और अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया ना तो 40 लाख का पैकेज मिलता है। मेरे कई बच्चे जिनको मिला है फर्स्ट ईयर से मिल जाता है जॉब, वर्क फ्रॉम होम। हाँ, कोई जरूरी नहीं मैथ्स, कोई जरूरी नहीं मैथ्स, उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट होना चाहिए। आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई जरूरी नहीं है, 12th हो गया तो दे देते हो, सब चलेगा। मैं बोल रहा हूं मैथ्स लेना कोई जरूरी नहीं है, उसको कंप्यूटर, देखो कैसा है, 3000 रुपए का भर के वो एक मॉड्यूल देते हैं, उस मॉड्यूल में कुछ बेसिक मैथ्स होता है, वो आपने मैथ्स पढ़ा नहीं पढ़ा, आप बाहर से ट्यूशन लगा लो, मैं उसका ट्यूशन लेता हूं, पैसे कमा दो उस पर, तो वो ट्यूशन लगा लो, क्लियर कर लो, आपने वो एग्जाम क्लियर कर लिया तो BSc डाटा साइंस का आप एनरोल हो गया।
घर बैठे बैठे 3 साल में आपको डिग्री मिला, वो बच्ची घर बैठे बैठे उसको आउटसोर्सिंग में जॉब मिल जाएगा। अरे फर्स्ट ईयर कंप्लीट करे तो लोग आपको अप्रोच करते हैं फर्स्ट ईयर पे। मेरे पास आई कई लड़कियां जिसको फर्स्ट ईयर हो गया फौरन उसको जॉब मिल गया वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन सब ऑनलाइन। चेन्नई आईटी का मुंह देखने की जरूरत नहीं है, डिग्री भी ऑनलाइन आएगी, आपको जाना ही जरूरत नहीं है और पैरेलल ही कर सकते हैं आप। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, आप यहां भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो दोनों डिग्री। हमारे जमाने में अगर हम करेंगे ना तो जेल जाना पड़ता था एक साथ दो डिग्री। अभी गवर्नमेंट ने अलाउ किया है दो डिग्री एक साथ। ठीक है, कुछ पूछना है? हाँ वेरी गुड, पूछो। आफ्टर 12th कॉमर्स LLB डिग्री करनी हो तो कैसे करनी है? LLB LLB वेरी गुड फैंटास्टिक, ताली बजाओ उसके लिए, ताली बजाओ बहुत जोर से ताली बजाओ। ये देखो मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ, ऑडियंस में बात करना चाहिए, मेरे पास बताने के लिए आपका बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे से अच्छा मैथ्स टीचर मिलेगा, मेरे से अच्छा करियर काउंसलर नहीं मिलेगा। उस लड़की का क्वेश्चन है कि 12वीं के बाद वो क्या करेगी, उसने कॉमर्स कर लिया LLB करना है तो एक एग्जाम है असद सर बोर्ड पे लिखो क्लैट CLAT इतना चलने वाला है, बेहिसाब चलने वाला है। ये MBBS नीट JEE और ये ना ये सब फिकर है ना मेरा, 5 साल में 5,000 लॉयर्स गुजरात में चाहिए, सिर्फ गुजरात में चाहिए और उसको ये एग्जाम देना पड़ता है क्लैट का। 12वीं के बाद क्लैट का एग्जाम है, इसमें थोड़ा सा मैथ्स, थोड़ा सा एप्टीट्यूड, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग और एक और चीज है जिसके लिए एक लॉयर लगता पढ़ाने के लिए, लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड करके एक चीज है, उसके लिए एक क्वालिफाइड लॉयर पढ़ा सकता, बाकी तो बाकी सब इजी है। 4 सब्जेक्ट होता है उस पे, अगर आपने इसका एंट्रेंस क्लियर किया ना तो आपको अच्छे अच्छे फ्री में मिलेगा। आदित्य बिरला स्कॉलरशिप है जो सिर्फ नलसर को देता है, NALSAR। कितने लोगों ने नलसर का नाम सुना है? सुना है ना, कहाँ है नलसर? हैदराबाद में। ऐसे बड़े बड़े जो लॉ कॉलेज है उस लॉ कॉलेज के एंट्रेंस में जाने के लिए आपको ये एग्जाम देना पड़ता है। उस बच्ची को दाद दो, उसने बात को छेड़ा करके मैंने बताया तो मेरे जहन में था भी नहीं वो। क्लैट एग्जाम का नाम क्लैट है। और ये देखो कॉर्पोरेट लॉ आप लोग जो पिक्चर में देखते हैं ना वो नहीं है लॉ, ऑर्डर 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 वो नहीं है कॉर्पोरेट लॉ। मतलब मैं आपको समझाता हूँ, देखो पहला गाना बनता था गाना, तो ये किशन कुमार क्या टी सीरीज का मालिक है, HMV करके आता था गवर्नमेंट का, तो HMV कंपनी को ये टी सीरीज ने बंद करवा दिया। कैसा? 19 सेकंड तक कॉपी कर सकते थे गाना, वो क्या करता था 19 सेकंड के लिए कॉपी करता था और गाने को रिमिक्स मारता था और उसकी कंपनी को खड़ा कर दिया, HMV बंद हो गई। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज है अभी अभी रिसेंट मार्केट में जहां पे कॉपीराइट एक्ट है, वो कॉपीराइट का अभी तक हमारे पास लोग नहीं, लॉयर नहीं है, तो कोई भी किसी का कुछ भी कॉपी कर लेता, PhD भी कॉपी करके बना देता, तो वो सारी चीजें बंद हो जाएगी अगर पेटेंटिंग होगा। तो लॉयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट में। तो सर हमारे कोचिंग क्लासेस चालू हुआ था नीट और JEE के साथ क्लैट भी स्टार्ट करना, आज से 5 साल में उसको सर बहुत डिमांड आएगा, आप मुझे याद करेंगे इंशाल्लाह, बहुत ज्यादा डिमांड आएगा। लड़की लोग लॉयर करने से आपको कॉर्पोरेट लॉ घर बैठ के कर सकते हैं, लॉ कर लिया आपने, लॉ करने के बाद आपको जितने भी केसेस लड़ने ना घर बैठ के आप लड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्लैट पढ़ना जरूरी है। वो जैसा नीट का एग्जाम है, JEE का एग्जाम है, CUET का एग्जाम है, वैसा और एक एग्जाम का नाम लिख लो, उसका नाम है क्लैट। क्या क्लैट का फुल फॉर्म क्या है? अरे बोलो ना, क्लैट का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट है, और कोई भी दे सकता, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो, कोई भी दे सकता, 12वीं होकर एग्जाम दे सकता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बॉयज? देखो मेरे पास दिखाने के 210 स्लाइड है, 210 स्लाइड तुम्हारे दिमाग में नहीं आएगा, अगर आप कुछ पूछेंगे हाँ उसको जरा पास करो, आप कुछ पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। साइबर क्राइम ऑफिसर के लिए क्या करना होगा? साइबर क्राइम ऑफिसर करने के लिए उसका ऑफिसर बनने के लिए क्या है उसका? पढ़ा क्या? जिसको पढ़ना है 11th किया, 12th किया, क्या किया, 10th किया, उसका क्वेश्चन ये है कि साइबर क्राइम में जाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, कोई बताएगा साइबर में जाने के लिए? हाँ नहीं वो भी है, उसके अलावा भी इंडिया में,
हाँ बहुत बारी सर बताओ उसके बाद मैं बताऊंगा नहीं सर आप बताओ आपका नाम है इसका मैं थोड़ी गुजरात में हूँ एक तो ये बल मैं इनको 10 साल से जानता हूँ एक ही बार आया बाद में 10 साल के बाद आऊंगा रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी पहले गुजरात में खुली थी अब तो 5 कैंपस हो गए जिसमें क्राइम और पुलिस और क्रिमिनल के बहुत सारे कोर्सेज हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी भी है बहुत सारे कोर्सेज इसमें होते हैं रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी भाई एक बात मैं आपको कह दूं अनिस सर का तारुफ हुआ कि नहीं हुआ मुझे तो मालूम नहीं है क्योंकि हम आके ने इनका प्रोग्राम शुरू करवा दिया है लेकिन क्योंकि हम लोग बाजी मर्तबा किसके प्रोग्राम में बैठे होते हैं तो ये जानना भी जरूरी होता है कि वो क्या है ये मैथ्स के जादूगर हैं और कोचिंग मैथ्स की तो देते हैं लेकिन बहुत बेहतरीन जो है ना ये काउंसिलर भी है और इतना बड़ा खजाना है जो आज हमारे अहमदाबाद की खुशकिस्मती है कि ये अपने वक्त को फारिग कर हमारे यहां आए हैं इनकी सबसे बड़ी खूबी एक और ये भी है कि ये कहीं जाते हैं तो अपना जान और अपना माल लेकर जाते हैं हालांकि बहुत सारी मर्तबा हम इनके मयार के अगर किसी को बुलाना चाहे तो हमारा बहुत बड़ा खर्च हो जाता है आज ये हमारे अहमदाबाद में हैं तो बहनें हमारी बहुत सारी आई हैं और स्टूडेंट्स क्योंकि हम बहुत बदकिस्मती हमारी ये है कि हम मुसलमानों के बच्चों को तो शायद जरूरत नहीं लगती वरना ये आज हमारा हॉल जो है ये कम पड़ जाता बल्कि ये रास्तों में लोग खड़े होते हैं लेकिन बदकिस्मती है हमारी और फिर अगर हम अपना क्योंकि अगर कोई कौम खुद अपने बारे में कोई चीज की फिक्र नहीं करती अपने आप को बदलने का इरादा नहीं करती तो फिर अल्लाह खुद जो है ना उससे बेजार हो जाते हैं तो फिर उसको हाल पे छोड़ देते हैं तो फिर अब हम तो कह रहा ये YouTube पर इनका प्रोग्राम जो है हमने लाइव भी रखा है अल्लाह करे कि बहुत सारे बच्चे लेकिन लाइव वो देख सकेंगे उनके अंदर के सवालात जो है वो पूछ नहीं सकेंगे और हमारे अनीस साहब की खूबी ये है कि ये अगर बगैर पूछे अगर 10 देंगे तो पूछने पर ये अपना 100 देंगे ये इनकी खूबी है क्योंकि तो मैं यहां पर अभी जितने भी लोग मौजूद है पूछो आप ने पूछने में कोई नानम नहीं है सवाल जो है ने वो इल्म के हासिल करने की सीढ़ियों में से एक सीढ़ी है हाँ ने जिसके अंदर अंदर मादा है जानने का वही सवाल भी करता है और जो सवाल करता है वो हासिल करता है ने जो हासिल करता है तो वो फिर जो है वो उसके तमाम जो है तरक्यात के जितने भी मरहले वो सर करता है यानी टोच पर बैठता है तो लिहाजा मैं सबसे गुजारिश करता हूं और ये हमारे बीच में अभी डॉक्टर बिलाल साहब भी यहां पर तशरीफ फरमा है अभी गुजरात के ये हमारे अनीस साहब हैं काफी मेहनत कर रहे हैं तो ये अभी ये भी आपके सामने कुछ बात रख रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा मैं आपको इनके बारे हालांकि ये पूना इनका बेज है केरला के हैं असल तो ये लेकिन इनके तकरीबन 650 बच्चे आर्मी में हैं बड़ी बड़ी पोस्टों पर है और आपको मैं कह दूं कि ये अपने इस लिबास में अगर आर्मी का बच्चा आकर कहीं तो इनके पैर छूते हैं नॉन मुस्लिम तो कभी कभी तो किसी को ख्याल ही होता है कि ये कौन बंदा होगा ऐसा क्योंकि आमतौर पर हमारे अनीस साहब दिखते हैं मौलाना बिल्कुल भाई ये तो सीधे साधे हैं लेकिन जब पता चलता है कि ये क्या है तो हमारे पास आए हैं शाम का प्रोग्राम एक है मैं अभी बीच में ही कह देता हूं आपको अगर जो लोग नहीं आ पाए हैं तो वो शाम को भी आएंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा इंशाल्लाह लिहाजा थोड़ा क्वेश्चन का मारा रखें इन पर अस्सलाम वालेकुम ये जो है ना अभी अफजल भाई ने जो बताया वही बता रहा हूं मैं जो चैट जीपीटी बताया कितने लोगों को चैट जीपीटी पता है चैट जीपीटी में बहुत लोगों की नौकरी खाने वाले हैं चैट जीपीटी समझने के लिए एक नया चीज आया है जिसका नाम है प्रॉम्प्ट कितने लोगों को प्रॉम्प्ट पता है PROMPT लिखो सर असद सर प्रॉम्प्ट
ये प्रॉम्प्ट देखो वही चीज है जो अपने हदीसों में 1400 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गया। चैट जीपीटी में जिनको यूज करना है उसको प्रॉम्प्ट सीखना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट क्या है मालूम, जो अभी अफजल भाई ने जो बताया, सही सवाल आधा जवाब है। याद रखो क्या बताया मैंने, सही सवाल आधा जवाब है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा में सहाबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे ये कौन सा दिन है, ये कौन सा वक्त है, तो लोग समझते थे क्यों पूछते थे, मेरे आज समझ में आया क्यों पूछते थे। तो साहबा भी बहुत होशियार है, साहबा साहबा भी बोलते थे या रसूलल्लाह आप जो बोले वो दिन है, आप जो बोले वो वक्त है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते थे व्हाट इज द डेट टुडे, व्हाट इज द ओकेशन टुडे, ये क्वेश्चन था। तो ये सब प्रॉम्प्ट है क्योंकि क्वेश्चन पूछ के उसका आंसर मिलता था। तो आप हज्जतुल वुदा ना मस्जिद में लगा रहते, बड़े बड़े लोगों के ऑफिस में लगा रहता, कभी उसको आप ध्यान से पढ़ो आपको चैट जीपीटी समझ में आएगा। तो सही सवाल आधा जवाब है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, साइबर क्राइम, तीन चीज बताऊंगा मैं साइबर क्राइम। एक है आईबी, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, दूसरा है डीआरडीओ, डीआरडीओ उसका फुल फॉर्म भी देख लो आप क्या है, डीआरडीओ है, आईबी है, इसका एक एग्जाम होता है सेप्टम, सीईपीटीयूएम, सीईपीटीयूएम। ये एग्जाम देने के बाद आप आईबी में डीआरडीओ में रॉ इंडिया का इंटेलिजेंस है आरएडब्ल्यू, मेरे बच्चे काम करते वहां, यहां जा सकते हैं। तो इसका एग्जाम होता है सितंबर का, ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हैं। और आपके गुजरात में मैंने दुबई एक्सपो में देखा जब अमित शाह और मोदी जी दोनों का काली दाढ़ी थी, काली दाढ़ी, तब उन्होंने एक कॉलेज चालू किया जिसका नाम है फॉरेंसिक, फॉरेंसिक ये गुजरात का सबसे बड़ा कॉलेज है, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। पूरे इंडिया में उसके अलग अलग स्टडी सेंटर्स है, उसका मेन कॉलेज फॉरेंसिक गुजरात में है। फॉरेंसिक में क्या पढ़ते हैं, देखो फॉरेंसिक में क्या पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल अभी कोई फ्रूट जूस है उसके अंदर लिखा रहता है प्रिजर्वेटिव, अभी हम गंदी जानवर का तो खाते नहीं है, उसका जो चेक कर दे कि इसके अंदर क्या मिलावट किया, उसकी स्टडी को भी फॉरेंसिक बोलते हैं। फॉरेन कंट्री में बहुत ज्यादा स्कोप है इसका, यहूदी लोग भी जब कोई चीज को लेते ना उसको कोई चीज बोलते, क्या बोलते हो उनके हलाल का टर्म है ना असद सर, कोशर, देखो सर के ओ एस एच ई आर, यहूदियों का भी एक कोशर रहता है, तो कोशर प्रोडक्ट का भी एनालिसिस होता है। वैसे ही एनालिसिस का जो काम है ना वो फॉरेंसिक कराता है, इसमें बहुत पैसा है और यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है। वो बच्ची पूछ रही थी मुझे कि साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी में क्या करना, साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के साथ अमर अकबर एंथनी और एक चीज देता, उसको बोलते हैं एथिकल हैकिंग, एथिकल हैकिंग, तीन चीज है साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, इसको मैं अमर अकबर एंथनी बोलता हूं, इसमें भी बहुत पैसा है। तुमने सुना रहेगा ना इसका वेबसाइट हैक कर दिया, उसका वेबसाइट हैक कर दिया, इसका वेबसाइट वो लोग ले लिया, इसमें कम्युनिटी के बच्चे बहुत होशियार होते हैं, कीड़ा होता है कीड़ा, हमारे बच्चे सही पढ़ा दिया ना तो लाखों करोड़ रुपए मिल जाता उसको, ये उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक सॉफ्टवेयर के बारे में आपने सुना होगा, इसराइल ने बनाया पेगासस, PEGASUS, तो वैसा अगर उस इजराइल बना सकता, अगर इंडिया का कोई बच्चा बनेगा तो भी करोड़पति बनेगा, इसको दिमाग लगता है उस लाइन का दिमाग, साइबर क्राइम साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, ये बहुत बड़ा टेक्निक है और ये अल्लाह की तरफ से नियामत है। और अल्लाह ने कुरान में कहा मैंने जो नियामत दिया है उस नियामत का अगर तुम शुक्रिया अदा करेंगे ना तो नियामत में और इजाफा होगा। और एक बात मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं आप समझ लो, नया एजुकेशन पॉलिसी बोलता स्कूल जाना स्कूल जाके इल्म लेना एक शोभा है। नया एजुकेशन पॉलिसी के पहले हर बच्चों को स्कूल जाना कंपलसरी था, नॉलेज मतलब क्या करते थे वो स्कूल, अभी ऐसा नहीं है, आपको नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। आप स्किल यूनिवर्सिटी से लो, आप ऑनलाइन लो, आप खान अकेडमी से लो, आप किसी और कोर्स कराओ। अभी एक कितने लोग टीचर है यहाँ पे, टीचर कितने यहाँ टीचर है, टीचर्स वेरी गुड, टीचर्स कितने लोगों को मालूम है माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन, माइक्रोसॉफ्ट आपको सर्टिफाई करता है कि आप अच्छे टीचर है। अगर आप अच्छे टीचर करके सर्टिफाई हो गए ना तो लोग आपको ढूंढ के आएंगे, मैनेजमेंट वाले मेरे को गाली देंगे, लोग आपको ढूंढ के लाएंगे, डबल पेमेंट में आपको उठाएंगे। उसी तरह से गूगल सर्टिफाइड टीचर होता है, 5000 रुपए में मैं आपको गूगल सर्टिफिकेशन करा के दूंगा, मेरा एक दोस्त जो करा था सिर्फ 5000 रुपए में। अगर आप गूगल सर्टिफाइड टीचर है या एक आदमी तबला बजाता है तो गूगल सर्टिफाइड तबला वाला हो गया, एक आदमी डांस करता है उसी तरह से एक आदमी कुरान पढ़ सकता है तो गूगल सर्टिफाइड कुरान टीचर बन सकता है।
वैसे गूगल सर्टिफाइड मैथ टीचर बन सकता है। गूगल सर्टिफाई करता है आपके नॉलेज को, वो एक्नॉलेज करता है कि ये अच्छा टीचर है। तो जब आपको एक्नॉलेज किया और आपको गूगल ने सर्टिफिकेट दिया तो आप मार्केट में आ गए, कोई भी स्कूल वाले आपको उठा लेंगे। या आपको ऑनलाइन, आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाओ, अरे मेरी बात समझ में आ रहा है? तो कितने टीचर को गूगल सर्टिफाई होना है, हाथ ऊपर करो। जिन लोगों को गूगल सर्टिफाई होना है वो मेरा नंबर लिख लो, मुझसे कॉन्टेक्ट करना। गूगल सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी है, अपने आप को सर्टिफाई कराओ कि मैं अच्छा टीचर हूं तो लोग आपको ढूंढ के आएंगे। सर नेक्स्ट लगाओ अपना पीपीटी लगा। एनी अदर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? हाँ, बहुत बच्चों के हाथ ऊपर हो रहे, वेरी गुड। सर मेरी सिस्टर एक्चुअली में बीकॉम पास है 12th, और अभी एलएलबी कर रही है, तो स्टेनोग्राफी का भी कोर्स कर रही है, तो आगे उसको क्या करना चाहिए? बीकॉम 12th पास है, स्टेनोग्राफी, हाँ एलएलबी अभी स्टार्ट है, हाँ स्टेनोग्राफी का आगे क्या करना चाहिए? गुजरात यूनिवर्सिटी भी आपके बीकॉम के साथ स्किल देता है। आप बीकॉम प्लस डिजिटल मार्केटिंग, बीकॉम प्लस फाइनेंस, बीकॉम प्लस, तूने ये सुना है क्या? कितने लोगों ने सुना ये? आवाज आ रही है? सीए, सीएस, सीएमए, इसको मैं अमर अकबर एंथोनी बोलता हूँ। कितने लोगों ने सुना है इसके बारे में? सुना है सीए, सीएस और सीएमए। ये सीएमए का यूएसए का वर्जन भी होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है। ये तीनों कोर्स को कर सकता है, या एक एक साल का कोर्स होता है, एक एक साल का। जैसे मैंने बताया ना, एक साल का डिजिटल मार्केटिंग, एक साल का फाइनेंस, एक साल का अकाउंट्स। जैसे हमारे जमाने में टैली करते थे, टैली, तो वैसा इंट्रिकेट फाइनेंस में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। तो अपने ग्रेजुएशन के साथ तुम्हारे गुजरात स्कूल यूनिवर्सिटी का कोई एक ऐसा कोर्स अटैच करने से आपको उसका जॉब जल्दी मिलेगा, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। एडवोकेट होना है तो फिर एलएलबी, दूसरा कुछ मत करो, एलएलबी करना है। वो पैरेलल या बोथ कर सकते हैं, लेकिन उससे सबसे अच्छा कि बीकॉम के बाद एलएलबी करें। लेकिन एलएलबी करें ना तो अच्छे यूनिवर्सिटी से करें जो नामचीन है, और साथ में प्रैक्टिस भी करें। हाँ कर सकते हैं, उसको मुझसे बात करने बोलो, मेरा नंबर ले लो, मैं और जी, मेरा बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, थर्ड ईयर में पढ़ रहा है, और लड़की बीसीए कर रही है, तो उसके बारे में आप कुछ नॉलेज और बताएं। फर्स्ट ईयर से पास कर चुकी, चेन्नई आई, और डिग्री में समझ में आया मेरे बात? फर्स्ट ईयर मेरी बेटी है ना, उसकी शादी तय हुई, तो मैंने क्या किया उसको, उसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट करना है, तो मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से भी कराया और एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से भी कराया। मुझे लगा कोविड में नहीं मिलेगा डिग्री, तो दोनों मिल गए। फिर मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, कितने लोग जानते हैं उसको, आई आई एम जानते हैं, उसमें से मैंने एक कोर्स कराया, तो वो उसके पूरे वो प्रोफाइल में आ जाता है, डबल एमबीए भी और आईआईएम से भी पढ़ा। हमारे बच्चों को दो कोर्स कराओ, जो कोर्स पढ़ रही है ना वो इससे उसी का कोर्स चेन्नई आईआईटी से ऑनलाइन, तो तीन साल में उसको कितने डिग्री मिलेंगे? इंजीनियरिंग में क्या कर रहा है फर्स्ट ईयर? थर्ड ईयर है, सिविल इंजीनियरिंग है। हाँ देखो बच्चों, लोग थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग में कोर्स है, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ। NICMR एक कोर्स है दो साल का, निकबार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल मैनेजमेंट एंड रिसर्च, ये पुणे में। सर्कल ताली बजाओ, डॉक्टर मेरा सर्कल ताली बजाओ। सबसे सीखना चाहिए तुम्हें, ये बहुत कम लोगों को मालूम है। ये पुणे के जो रिटायर्ड लोग है ना, जो सिविल इंजीनियरिंग के, उन्होंने एक ऑटोनोमस कॉलेज खोला, और गर्ल्स कंट्रीज के लिए जो चाहिए ना उसका मैनेजमेंट का एक कोर्स खोला, दो साल का एमबीए जैसा है, और केरला से बच्चे पुणे पढ़ने आते हैं, दो साल पढ़ लिया ना उसको दुबई में गल्फ पे जॉब, 100% जॉब। ये बॉम्बे पुणे रोड पे कोर्स है, हम लोग जब लोनावाला जाते हैं ना उधर आता है कॉलेज, NICMAR कॉलेज का नाम है, लिख लो क्या कॉलेज का नाम, NICMAR ये कॉलेज का नाम लिख लो। और बोलिए, बहुत अच्छा सवाल, उनको तो बाइक दो। देखो अभी अगर वो बहन नहीं पूछती थी ना तो मैं नहीं बताता था,
तो पूछेंगे तो मैं बताऊँ। Nowadays girls ज़्यादा interest होते हैं home science, means उन लोग 11, 12 में waste भी time नहीं करना चाहते, but they says that 10th standard के बाद home science girls के लिए कितना वो रहेगा? बहुत अच्छा है, आज जितना पैसा पकाने में और खाने में और जितना YouTube चैनल लोग चला रहे हैं उससे ज़्यादा कोई नहीं चलाता, उसका भी एग्जाम है, वो एग्जाम का नाम है लिस्ट में है सर, मेरा कार्ड है क्या कार्ड मेरा बैग लेकर बैग एग्जाम का नाम है HSEE होम साइंस का एग्जाम, होटल मैनेजमेंट का कोर्स है HSEE, मेरा कार्ड दूंगा। तो वो JEE के जैसे एग्जाम होता है ना, ऐसे होटल मैनेजमेंट का भी एग्जाम होता है और उसमें भी बहुत अच्छा है, होम साइंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सर। फूड ब्लॉगर बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिजाब के ऊपर बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बेटी भी ब्लॉगर है, उसका आप नाम ले लो ए ब्लॉगर अतिया अनीस है, फूड भी ब्लॉग कर दिया, हिजाब पे भी ब्लॉग कर दिया, अतिया अनीस ए ब्लॉगर करके, तो फूड पे बहुत सारा चीज कर सकते हैं आप। बोलिए मैम, उनको दो माइक दो। होटल मैनेजमेंट के जैसा न्यूट्रिशनिस्ट भी है, वो भी आप ऑनलाइन डिग्री ले सकते हैं, जैसा आप बोला ना होम साइंस बताया ना, ये होम साइंस बहुत ज्यादा चलने वाली चीज है, वो ऑनलाइन नहीं है ऑफलाइन है, उसके डिग्री होने के बाद पुणे में आके पढ़ना पड़ता है, 2 साल का कोर्स, लेकिन 100% जॉब मिलेगा गल्फ में। बोलिए मैम। सर मेरे भाई ने भी 10th कंप्लीट की है, उसको एप्स और गेम्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट, मतलब ऐसा सोचता है कि उसको ये सब बनाने के फील्ड में जाना है। मुझे समझ नहीं आया क्या पूछा आप? एप्स और गेम्स और ये सब वगैरह बनाते हैं ना, एप्स बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? वेरी गुड वेरी गुड। ऐप ऐप्स में बनाना है ऐप, कितने लोग ऐप वालों में ऐप्स बनाते ना, गेमिंग में बहुत पैसा है, क्या बच्चों लोग नहीं गया बताओ, बॉयज को तो बहुत मालूम है गेमिंग, कौन सा फायरफ्लाई क्या कर क्या खेलते फ्री फायर है, तो जिनको गेम बनाने आता है उसको बहुत ज्यादा पैसा है। इसका एक इंस्टीट्यूट था पुणे में और बहुत जगह, डीएसके करके इंस्टीट्यूट है, और भी फ्रांस में भी इंस्टीट्यूट है इसका, और आपके गुजरात में भी होगा जो गेमिंग का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मालूम आपको? हमारे पुणे में जो था अभी वो बेचारा जेल में गया, तो डीएसके का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट था पुणे में, डीएस कुलकर्णी का, जो एप्स और गेमिंग में बहुत आगे था। मैं आप मेरा नंबर ले लेना, मेरा कार्ड देता हूँ, मैं वो गेमिंग का इंस्टीट्यूट आपको बताऊंगा, लेकिन बहुत पैसा है गेमिंग में भी और एप्स में भी, मोबाइल ऐप बनाने के अलग अलग कॉलेजेस है, वो एक्चुअली इंजीनियरिंग के साथ किया तो भी चलेगा, घर बैठ के किया तो भी चलेगा, लेकिन उसमें काफी फायदा है। वेरी गुड क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? अभी मैंने 10th के बाद साइंस लिया, अभी 11th में बायोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट है, तो अगर 12th के बाद मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ तो क्या ऑप्शन है? और हाँ, तो मैंने तीन ऑप्शन दिया आपको, अमर अकबर एंथनी बोला मैंने, बैठ जाओ, एक मैंने आपको कहा कि AFMC में क्या हो गया, आपके मम्मी डैडी के पैसे पे नहीं पढ़ना, फ्री 550 से 600 मार्क्स नीट में मिलना चाहिए। दूसरा मैंने आपको ऑप्शन दिया ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये 12वीं के बाद एंट्रेंस एग्जाम होता है, आप बायोलॉजी लेने से आपको जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एग्रीकल्चर ऑफिसर बनते हैं गवर्नमेंट का। तीसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया IISER, नहीं हाँ वो घर पे देखो, मैं इसलिए दिया कि कुछ चीजें और भी आप उसमें पूछ भी सकते हैं। IISER जो है ना, IISER वो भी एक एग्जाम है, तीन एग्जाम के बारे में बताया बच्ची, क्या क्या बताया आपको, एक तो नीट, दूसरा हाँ एक आईसर, तीसरा ICAR, और कौन सा एग्जाम बताया, और एक एग्जाम है हाँ नहीं और एक एग्जाम है लिख ले, ये बैंगलोर में इंस्टीट्यूट है, बैंगलोर में, और इस इंस्टीट्यूट का नाम है IISER, ये छूट गया था मेरा, IISER का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर आपने ये बैंगलोर में पूरी पढ़ाई आपकी फ्री है, पूरी पढ़ाई आपकी फ्री है, और
इस पे आप रिसर्च में पढ़ सकते हैं। डबल एससी नाम है उसका। नहीं नहीं, उसको अगर वो कह रही है कि अगर मेरा नीट भी नहीं हुआ तो मैंने उसको आईसीआर बताया, डबल आईसीआर बताया, मेरा कुछ और छूट रहा है एमएनएस से। और मैंने आपको कहा ना कि प्योर साइंस में जाना, प्योर साइंस, प्योर साइंस में आप सीवी रमन इंस्टीट्यूट, सीवी रमन इंस्टीट्यूट लिख लो। ये सीवी रमन इंस्टीट्यूट के लिए आपको लिखो सर सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा, सीयूटी का एग्जाम देना पड़ेगा। ये हमारे सर अलीगढ़ से। सर सलाम वालेकुम सर, आपको इंट्रोड्यूस करना, आप जा रहे हैं इधर, आपको अभी मुझे मैं भूल गया था, इनको देख के याद आया। ये सर हमारे अलीगढ़ से है, अलीगढ़ पर बात करेंगे। हमारे यहाँ तीन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, एक अलीगढ़ है, एक जामिया हमदर्द है, एक जामिया मिलिया इस्लामिया है। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर एक कोचिंग सेंटर चलता है जिसका नाम आरसी है। अगर किसी को आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना है, अगर वो आरसीए का एग्जाम देगा ना तो वहां आपको एडमिशन मिलता है। यहाँ पर इस बार हिंदुस्तान का जो टफ बेस्ट जो बच्ची पास हुई ना, वो लड़की वहां से पढ़ी, पिछले साल भी श्रुति शर्मा वहां से पास आउट हुई। अलीगढ़ का एंट्रेंस होता है सिक्स में, नाइन्थ में और इलेवेंथ में। अलीगढ़ का चार कैंपस है, मैं केरला से हूँ, एक कैंपस मेरे गांव के नजदीक है, वहां ओयो का एक रूम भी हमारे केरला में 2000 रुपए का है। पूरे 20,000 रुपए में आप एमबीए कर सकते हैं। कितने रुपए में? 20,000 रुपए में खाना पीना रहने के साथ एमबीए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अलीगढ़ का एंट्रेंस देना पड़ता है। 450 एकड़ में सिर्फ 450 बच्चे, अफजल भाई 450 एकड़ में सिर्फ 450 बच्चे केरला में। हाँ, और लड़कियों का कैंपस अलग, लड़कों का कैंपस अलग, अंदर मस्जिद, 20,000 रुपए में एमबीए कितना, लेकिन अलीगढ़ का एंट्रेंस देना पड़ता है। अलीगढ़ के बारे में हमारे सर बताएंगे जरा। अस्सलाम वालेकुम, अलीगढ़ का मेरे ख्याल से तारुफ की जरूरत नहीं है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सभी को मालूम है। नहीं, नाम तो सभी लोग सुने होंगे। मेन पॉइंट ये है, नाम सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसमें एडमिशन लेने का, उसमें पढ़ने का अपना एक अलग ही क्रेज है। और जो इम्पोर्टेंट जो बात सर ने बताई कि उसमें इंट्रेंस के बारे में जानकारी लेना, और आपके लिए बहुत अच्छी चीज है ये सारी जानकारी। आपको अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी आप चाहते हैं, आपको इंटरनेट से सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट से मिलती रहेगी। तो मेरे ख्याल से सर की कोशिश को भी आप लोग करें, और जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराएं। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा हर एग्जाम में पास हो जाएगा, लेकिन हर एग्जाम में बैठने से उसकी हैबिट बन जाएगी और उसकी एक प्रोसेस बन जाएगा कि उसको एग्जाम देना है, ठीक है। और मैं बिलाल भाई के साथ, मैं रहने वाला यूपी का हूँ, और अभी डॉक्टर बिलाल साहब के इन्विटेशन पे गुजरात में आया हूँ, और इंशाल्लाह इनके साथ मिलके इस फील्ड में कुछ काम करेंगे। शुक्रिया। अच्छा अच्छा, जामिया भी ऐसा ही एक इंस्टीट्यूट है जो बहुत कम पैसे में इंजीनियरिंग होता है, दिल्ली में 110 एकड़ में। जामिया है, अलीगढ़ है, जामिया मिलिया इस्लामिया है, हमदर्द है, आपको मालूम है। अच्छा, वो एक बच्ची ने पूछा ना, मैं वही मैं याद कर रहा था क्या बोलना है, किसने पूछा नीट में मैं क्या करना चाहिए। नीट से भी एक एआईएमएस के बारे में सुना आपने, एआईएमएस ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, उसका भी एक एंट्रेंस होता था, अभी नीट हो गया वो, वहां पे भी आपको एडमिशन मिलेगा। उसका नाम है मौलाना आजाद, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी भी है, जोधपुर में भी है। वैसे ही और एक एग्जाम है जिसके बारे में पता नहीं तुम लोगों को बताया गया, जिपर, कितने लोगों को जिपर के बारे में पता है, जिपर, वेरी गुड, क्या पता है जिपर के बारे में आपको? हाँ, आप क्या पढ़ रहे हैं? एमबीबीएस फाइनल ईयर, कहां से आइए? गवर्नमेंट कॉलेज, वेरी गुड, फैंटास्टिक, ताली बजाए जरा, बताए सबको, जिपर लिखो, जिपर। फिलहाल वो आईएनआईसीटी हो गया जी के लिए, पहले जिपर था, अभी आईएनआईसीटी है, आईएनआईसीईटी, जिपर का नाम चेंज हो गया। चार कॉलेजेस है उसके, तीन या चार कॉलेजेस है, एक पीजीआई चंडीगढ़ है, एक जिपर चेन्नई के अंदर खुद कॉलेज है, और एक एम्स दिल्ली है। उसके अंदर पीजी के लिए अगर आफ्टर एमबीबीएस एडमिशन लेना हो तो उस एग्जाम को क्लियर करके काउंसलिंग के थ्रू उसके अंदर पोस्ट ग्रेजुएट आफ्टर एमडी एमएस और एमसीएच डीएम, ये सब चीजें, ये नाम चीन जो कॉलेजेस है चार, उसके अंदर उसके लिए खास ये एंट्रेंस होती है, जैसे नीट यूजी होती है वैसे पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये एग्जाम होती है आईएनआईसीईटी। आपने एमबीबीएस कैसे किया बताओ, आपका नहीं बताओ, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम उसामा 21 वाला है। मैंने 2018 के अंदर नीट यूजी क्लियर की थी और उसके बाद काउंसलिंग के थ्रू मैंने जीमर्स गांधीनगर के अंदर एमबीबीएस के अंदर एडमिशन लिया है, जो कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। गुजरात के अंदर 8 कॉलेजेस है जो सेमी गवर्नमेंट है, जीमर्स सोसाइटी के नाम से जो चलती है। भी और 2 कॉलेजेस उसके अंदर ऐड हुई इस साल, एक बरूच के अंदर है और एक अमरेली या पोरबंदर के अंदर खुली है गालिबा। उसकी फीस प्राइवेट कॉलेजेस से कम होती है लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजेस से थोड़ी ज्यादा होती है। 50% स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट उसके लिए, और उसके लिए एलिजिबिलिटी 80% इन 12th स्टैंडर्ड होता है, बी ग्रुप विद साइंस एलिजिबिलिटी होती है। नीट के अंदर आपको 500+ मार्क्स अगर होंगे तो आप उसके लिए आपको कोई भी एक जीमर्स के अंदर पूरे गुजरात के अंदर एडमिशन मिलने का चांस रहता है। नहीं, वो स्कॉलरशिप के लिए जो है 80% कंपलसरी है, लेकिन एग्जाम जो है नीट यूजी के थ्रू होल एंड सोल काउंसलिंग नीट यूजी के थ्रू होता है उसका। स्कॉलरशिप मिलने के लिए गुजरात बोर्ड में 80% चाहिए, परसेंटाइल चाहिए। फैंटास्टिक। नीट को एक साल रिपीट किया कि सेम साल पढ़ा? कहाँ क्लासेस लगाया? एक बात याद रखो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया ना तो भी आपका नीट हो जाता है, तो आप एक साल रिपीट करने का आपके पास इस्तेकामत होना चाहिए। 12वीं हो गया, एक साल बैठ के पढ़ो तो हो जाता है। तो एनसीईआरटी का बुक पढ़े तो आप एमबीबीएस का एंट्रेंस, नीट का एंट्रेंस क्लियर कर सकते हैं। एनी अदर क्वेश्चंस? उसको पास करो। अगर एनआईओएस से 10th और 12th करते हैं तो फिर कौन सा ऑप्शंस ऐसे हैं जो नहीं अवेलेबल हैं? कोई भी ऑप्शन नहीं है जो नहीं होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप स्कूल में घर बैठ के पढ़ रहे हैं और आप कॉलेज नहीं जा रहे, अगर आपने एनआईएस से एग्जाम दिया तो एनआईएस का एग्जाम सबके लिए वैलिड है। जहां तक मुझे मालूम है कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां के आप दे नहीं सकते। आप 10th और 12th एनआईएस दे सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक एग्जाम है, मेरे पैम्पलेट पे भी मैं लिखा, बहुत कॉन्ट्रोवर्सी है। जब ये गवर्नमेंट ने उसको लागू किया था अग्निवीर और अग्निपथ, तो यूपी और बिहार में 200 करोड़ का प्रॉपर्टी जलाया गया। कितने करोड़ का? अरे बोलो ना, 200 करोड़ का। अग्निवीर और अग्निपथ, मैं चाहता हूं कि मस्जिदों में से इमाम साहब इसके बारे में बात करें। जुम्मा के मेंबर में मैं जो बात कर रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के बात कर रहा हूं। अग्निवीर और अग्निपथ की वजह से एक बच्चा 12 ही हो गया ना, तो वो ये आप लोग बोलो अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में मेंबर से बात करें, बोलो उलमा इकराम को, क्योंकि मुसलमान बच्चे 12 के बाद टिकटॉक का वीडियो बनाता है 80% बच्चे। अगर वो अग्निवीर और अग्निपथ पे जाएगा, 12 के बाद एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद वो बच्चे को 3-4 साल के लिए अब्सॉर्ब करते हैं। 3 साल में उसको इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री देते हैं। अगर उसको अग्निवीर में सेलेक्ट हो गया तो हर महीना 30,000 रुपए मिलता है उसको, हर महीना 30,000 रुपया। 3 साल के बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का डिग्री मिलता। एक बार डिग्री मिला तो कोई भी एग्जाम दे सकता, 12 अलग अलग एग्जाम दे सकता, जिससे वो ऑफिसर बन सकता। अगर पुलिस में भर्ती हो गया तो कमिश्नर तक जा सकता। वैसे भी आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऐसा ही है, एक इंटरनल एग्जाम होता है, वो बड़े से बड़े पोस्ट तक जा सकता है। और 2 साल का जॉब के बाद उसको रिटायर कर देते हैं, 25% को लेते हैं, 75% को छोड़ देते हैं। हम ये समझेंगे कि 75% में हम लोग भी आ गए, तो 12 लाख रुपए गवर्नमेंट देती है आपको रिटायरमेंट का। और 5 साल अगर आपने कहीं सर्विस किया डिफेंस के लिए तो आपको कोई भी बाहर जॉब देगा। ये अग्निवीर और अग्निपथ जो है, अग्निवायु, उसके बारे में बात करो, ये बहुत अच्छा स्कीम है। हम लोग उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। हमको ये सेक्टर में जाना चाहिए। हिंदुस्तान की आजादी के वक्त इंडिया में 46% लोग डिफेंस में थे, आज 2% भी नहीं है। तो उसके लिए ये सारी चीजों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, इसलिए मैं आपके पास आया। ये देखो, ये मैं इसके बारे में बात कर रहा था कि 650+ ऑफिसर्स है, इंजीनियर डॉक्टर सब अलग अलग है। नेक्स्ट वाला स्लाइड लगा सर। अच्छा सर, टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमको रेट किया है बैक। मैं मेरे बारे में बात करता हूँ कि मैं अपने तारुफ कराता हूँ, उसमें सबसे ज्यादा तारुफ ये कराता हूँ कि मैं करियर काउंसलर हूँ और एफोरेस्ट हूँ। कोई भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में बताना, पॉलीमैथ का कोई मैथ से कनेक्ट नहीं है, और हमारे उम्मत में अभी ये नहीं है। प्रैग्मेटिक थिंक टैंक। प्रैग्मेटिक क्या है वो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट, ये मेरा दुबई में भी क्लास है, दुबई में भी मेरे क्लास ओपन किया है, और दुबई में भी मैं वही चीजें पढ़ाता हूँ जो पुणे में पढ़ाता हूँ, बियॉन्ड नॉलेज। वहां पे KHDA का अप्रूवल लगता है, तो मैंने उनको वही चारों एग्जाम के बारे में बताया। कौन से 4 एग्जाम के बारे में बताया जरा बताएंगे आप?
क्या चार एग्जाम के बारे में मैंने बताया? नवोदय, जोर से बोलो मेरे साथ, चार चीज लेके जाओ, क्या क्या? नवोदय, दूसरा सैनी स्कूल, तीसरा आरएमएस और चौथा आरएमसी। ये सारा ये फाइनल है। अगर आपने बच्चों ने ये एग्जाम दिया तो आईएएस आईपीएस बनेगा, एनडीए का एग्जाम भी क्लियर करेगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। हाँ, आपके स्कूल में बच्चों को टीचर्स फर्स्ट स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड में ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाना है, मेंटल मैथ्स, पावर मैथ्स, वैदिक मैथ्स। नेक्स्ट साइकोलॉजी पढ़ाना है, साइकोलॉजी उसका सिलेबस है। फोर्थ टू सिक्स स्टैंडर्ड में ये सारे एग्जाम पढ़ाना है। कितने लोगों को होमी बाबा वाले में, होमी बाबा गुजराती था, गुजराती बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका एग्जाम होता है सिक्स में, नाइन्थ में और इलेवेंथ में। अगर आपने उसका एग्जाम क्लियर किया तो आप नासा जाएंगे। नासा इधर है, नासा अमेरिका में। कौन लोग जाना चाहते हैं? अरे कौन लोग जाना चाहते हैं अमेरिका? फ्री में, गवर्नमेंट के पैसे पे। तो उनको होमी बाबा का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। ये सिक्स में होता है, नाइन्थ में होता है, इलेवंथ में होता है। ये सारे के बारे में मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो, ये इलेवेंथ और ट्वेल्थ में ये सारी चीजें, ये एनडीए के एग्जाम का कोचिंग करा था मैं पुणे में। अगर किसी ने एनडीए पढ़ लिया तो वो कलेक्टर नहीं बनेगा, लेकिन तलाटी तो पक्का बनेगा, विलेज ऑफिसर बनेगा। ये जेडब्ल्यू है, गुजरात सीटी होता है, नीट होता है, आईसीआर होता है, नाटा होता है, आर्किटेक्चर को भी बहुत स्कोप है, डबल एसआई होता है। एक और चीज मैं भूल गया, वो है ये देखो, ये एग्जाम, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। क्या एग्जाम का नाम क्या है? आईएमयूसीटी। आईएमयूसीटी मतलब मरीन इंजीनियरिंग। ये प्राइवेट शिप्स में आपको जॉब मिलता है, उसका गवर्नमेंट एग्जाम होता है, लेकिन गवर्नमेंट एग्जाम में और गवर्नमेंट कॉलेज में नौकरी नहीं मिलती। लेकिन एक प्राइवेट कॉलेज है जिसका नाम है, लिख लो तोलानी, तोलानी, ये बॉम्बे पुणे रोड पे है। अगर उसका भी एंट्रेंस होता है तो कंबाइंड मेरिट लिस्ट लगता है तोलानी का और आईबीसीटी का। तो आप चार साल का डिग्री है, अगर आपने एक साल पढ़ लिया तो आपको जॉब मिलता है नॉटिकल साइंस का, दो साल डिप्लोमा, तीन साल बैचलर का और चार साल बीटेक का, और मोर देन 1 लाख आपको पेमेंट मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है आईबीसीटी। और एक एग्जाम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमईसीटी, लेकिन इसके बारे में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कॉलेज नहीं है, ये बहुत जगह बेवकूफ बनाते हैं, इसके लिए आप मेरे पास आओ, मैं आपको करेक्ट बताऊंगा। नेक्स्ट है आईआईएम। आईआईएम किसके बारे में, कितने लोगों के बारे में? आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट किधर है? गांधीनगर में है ना, अहमदाबाद में है ना। हाँ, ये अहमदाबाद में जाने का ना, तो ग्रेजुएशन के बाद आपको कैट का एग्जाम देना पड़ता है, कैट, और उसमें 100% रहेगा तो मिलता है। एससी एसटी ओबीसी रहेगा तो 99% में मिलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 12वीं के बाद एक एग्जाम होता है, बच्चों लोग सुनो ध्यान से, 12वीं के बाद एक एग्जाम होता है आईपी मैट एग्जाम का नाम। पांच कॉलेजेस है जहां पे आप 12वीं के बाद बीबीए एमबीए आईआईएम में कर सकते हैं। पहला कॉलेज है इंदौर, पहला कॉलेज कौन सा है? इंदौर, जिसमें आप कर सकते हैं। दूसरा रोहतक, रांची, बोधगया और जम्मू, ये पांचों कॉलेज में आप 12वीं के बाद आईआईएम में जा सकते हैं। नेम ऑफ द एग्जाम इज आईपी मैट। सीयूटी के बारे में बताया, ये सारे एग्जाम है। देखो एसएसआर, ये अग्निवीर और अग्निपथ के एग्जाम है, इसके बारे में बताया मैंने। कोस्ट गार्ड के बारे में बताया, डीआरडीओ के बारे में बताया। एक और एग्जाम है जून 30 तक, उसका फॉर्म भरना बाकी है। कितने बच्चों ने अभी 12 दे दिया? देखो एक एग्जाम है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी का एग्जाम है, 65,000 वैकेंसीज है। एग्जाम का नाम है एसएससी एचसीएल। थोड़ा सा मैथ, थोड़ा सा एप्टीट्यूड, थोड़ा इंग्लिश, गुजराती में कुछ जनरल नॉलेज रहेगा, उसको 12वीं के बाद आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। एग्जाम का नाम है, देखो उधर लिखा मैंने नीचे, एसएससी सीएचएसएल। क्या एग्जाम का नाम बोलो? सीएचएसएल लिख लो आप। वो एग्जाम अब इसका फॉर्म जून 30 लास्ट डेट है, तो फॉर्म भरेंगे, एग्जाम देंगे, पास हो गए तो गुजरात गवर्नमेंट में आपको जगह मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आपको नौकरी मिलेगी। उसी तरह से रेलवे का होता है, बहुत सारे एग्जाम रेलवे के होते हैं, पोस्ट के होते हैं। ये बहुत छोटे छोटे एग्जाम होते हैं जिससे आपका जिंदगी बन जाती है, क्योंकि साला में छुट्टी रहता, ज्यादा भागा दौड़ी नहीं है, लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, पेमेंट मिलता है, पेंशन मिलता है, रिलैक्स रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वाला देखो जो अच्छा वाला। सर और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को?
सलामुअलैकुम सर, मेरा डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट हो गया है। आफ्टर डिप्लोमा मैं बैचलर्स करना चाहता हूँ, कोई साइड इनकम के लिए मुझे रास्ता बताइए। बैचलर इन फार्मेसी करना चाहता हूँ, मेरा डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट है, इस साल कंप्लीट हुआ है। अब मैं बैचलर्स भी करना चाहता हूँ, कोई साइड इनकम और आगे अच्छा स्कोप के बारे में जानकारी जानना चाहता हूँ। फार्मेसी करके आप ये डिप्लोमा के बाद फार्मेसी का एंट्रेंस होता है गुजरात में डायरेक्ट? हाँ मिल जाता है, बताओ ना। डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में आप बीफार्म में एडमिशन मिल जाएगा और साथ में पार्ट टाइम आप एमआर की भी जॉब कर सकते हैं, डॉक्टर के पास मेडिकल स्टोर पर भी जॉब कर सकते हैं। इवनिंग टाइम पे कॉलेज आवर्स के बाद पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो और बहुत सारी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में भी अभी जॉब अवेलेबल है। एज डिप्लोमा फार्मासिस्ट आपको जॉब मिल जाएगी और 12th के बाद सीधा बीफार्म में एडमिशन लेने के लिए जो गुजकेट की एग्जाम आती है, जो 12th के बाद गवर्नमेंट देती हो गुजरात गुजकेट, वो एग्जाम आपको देनी पड़ेगी, वो एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलेगा। वेरी गुड, ठीक है ना? और अभी मैंने 12th साइंस कंप्लीट किया है, 12th साइंस, तो आगे कोई अच्छे कोर्स BHMS और फार्मेसी नीट में कितने मार्क्स मिलने का चांस है? 250। तो नीट करियर काउंसलिंग करते हैं, कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान कितने लोगों को मालूम है? कजाकिस्तान में 30 लाख रुपया में आपका MBBS हो जाता है, 30 लाख रुपया में। तो 30 लाख रुपया भरने की कैपेसिटी है तो कजाकिस्तान बेस्ट है, दावत का काम भी हो जाएगा, जमात में वक्त लगा है, हाँ दोनों काम हो जाएगा। ये भी बहुत जरूरी है, फॉरेन कंट्री में जाना ना उसको पहले तरकीब देके फिर उसको भेजे तो बहुत फायदा है। कजाकिस्तान है, फिलिपाइंस है, बांग्लादेश है, कजाकिस्तान में बहुत अच्छा है। वैसे तो ये लोग मेरे से ज्यादा बताएंगे, लेकिन अब्रॉड में अगर 250 मार्क्स मिलने की उम्मीद है, इंडिया में बहुत बेकार जाएगा, 50 लाख तो डोनेशन देना पड़ेगा, लेकिन 30 लाख में जाने आने के साथ खाने के साथ MBBS हो जाता है। हाँ उतना बजट नहीं हुआ तो आपको कुछ कॉलेजेस है जहां पे आयुर्वेदिक यूनानी है, जिसमें अगर आपने उर्दू पढ़ लिया तो ऐसे कुछ सीट्स रिजर्व्ड होते हैं, उसमें आपको जाना पड़ेगा। अभी आपने एक ही बार नीट का दिया कि और एक बार दिया? पहली बार दिया। ड्रॉप लेके एक साल क्लासेस पढ़ना तो बहुत सारे एकेडमीज है, मेरे यहां भी होता है, यहां सर लोग भी लेते हैं। तो अगर आपके फैमिली इनकम के हिसाब से मैं आपको बताता हूं क्या कर सकते हैं, लेकिन एक साल अगर आप इस्तेकामत के साथ पढ़ेंगे ना तो नीट में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और आपको स्पेशलाइज्ड काउंसलिंग लगेगा। आप मेरा नंबर ले ले, बात करेंगे। डॉक्टर बिलाल से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप। हाँ बोलिए, वॉइस में और कौन है? सलाम वालेकुम, मेरे 10वीं में परसेंटाइल रैंक 71.59 है और मुझे MBA करना है, तो मैं क्या करूं? मैंने अभी वही MBA की बात किया ना सर, वो लिखो ना IIM। अभी मैंने बताया, दोबारा बताता हूँ, 12वीं के बाद एक एग्जाम होता है, लड़कियों को भी बता रहा हूँ, IPMAT। क्या एग्जाम का नाम क्या है? IPMAT करके एग्जाम है 12वीं के बाद। वो IIM गांधीनगर वाले नहीं देते, अहमदाबाद वाले नहीं देते, लेकिन इंडिया में 5 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो रेप्यूटेड है, उसमें सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है इंदौर, IIM इंदौर। वो 12वीं के बाद आपको 5 साल का BBA MBA का डिग्री देता है। गुजरात में भी बहुत रहेगा BBA MBA, लेकिन उसको कोई वैल्यू नहीं है, मतलब IIM इंदौर से अगर आपने पढ़ लिया तो आपको 4 कंट्री का डिग्री मिलता है, IIM का डिग्री मिलता है, US UK का और न्यूजीलैंड का डिग्री मिलता है, समझा 40 लाख। लेकिन 12वीं के बाद आपको एक एग्जाम पास करना पड़ेगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको और जगह लाया, 4 जगह लाया, बोधगया, जम्मू, रोहतक और रांची, तो 5 कॉलेजेस में अभी चालू हो गए। 12वीं के बाद 5 साल का BBA प्लस MBA। हाँ
और किसको दे? सलाम अलैकुम। वाह बोलो। मैं अभी बीए के फर्स्ट लास्ट ईयर में हूँ और मेरा अभी यूपीएससी के प्रिपेरिंग शुरू है, तो मेरे पास प्लान बी जो होना चाहिए वो मैं किसके क्या तैयारी कर सकता हूँ उसके साथ? आपने क्या पढ़ा? मैं अभी बीए के लास्ट ईयर में हूँ। बीए जी, बीए का लास्ट ईयर है, तो अभी यूपीएससी का कब से तैयारी कर रहे हैं? मैंने दो तीन महीने हुए। तो आप पुणे आ जाए, मैं आपकी तैयारी कर रहा था पुणे में। मैं उसी बच्चे को ढूंढ रहा हूँ जो यूपीएससी पढ़ रहा है। आपको यूपीएससी तैयारी करने के लिए कोई अच्छी कोचिंग लगाना जरूरी है, और एनसीईआरटी का बुक है 6 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड तक, उसको पढ़ना है। कितने बच्चे यूपीएससी करना चाहते हैं? यूपीएससी बहुत जरूरी है, यूपीएससी करना। आप यूपीएससी टारगेट रखे रहा तो आप गुजरात का जीपीएससी भी क्लियर कर लेंगे। और आपको बेस्ट इंस्टीट्यूट है आरसीए, अगर आप आरसीए जामिया मिलिया में अगर उसका एंट्रेंस होता है, अगर आप वहां चले गए ना, तो 90% चांस है कि आपने यूपीएससी क्लियर करेगा, मेंस भी प्रीलिम्स भी और उसका इंटरव्यू भी। तो आरसीए के एंट्रेंस के लिए पढ़ने के लिए आपको यूपीएससी बैठ के पढ़ना पड़ेगा। बेस्ट है दिल्ली में जाके पढ़ना, क्योंकि वहां एक माहौल है, कोई भी एक अच्छा कोचिंग लगाओ, दिल्ली में बैठ के पढ़ो। वहां बहुत सारा मदरसे है और मस्जिद है, जहां अगर आप यूपीएससी पढ़ रहे ना, तो मैं जुबेर गोपलानी को और अफजल साहब को बोल के आपकी सिफारिश कर दूंगा, वहां बैठ के पढ़ सकते हैं। वहां मेरे कॉन्टेक्ट है डॉक्टर खालिक, तो वो मदरसे में स्कूल चलाते हैं, तो वहां पे आपका रहना खाने का इंतजाम हो सकता, कोई कोचिंग लगा लेने का, और पढ़ के वो आरसीए में एंट्रेंस में चले जाना। एक बार आप आरसीए के अंदर आ गए ना, तो इंशाल्लाह आप यूपीएससी क्रैक करेंगे, ये उसका तरीका है। यहाँ पे आपको पता नहीं मेरे को यूपीएससी के बारे में, माहौल नहीं है क्या? आइए ना, गुजरात गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है स्पीपा, जो यही शिव रंजनी चार रस्ता के पास इंस्टीट्यूट है, SPIPA सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पीपा। वो भी ग्रेजुएशन के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी है। गुजरात में अभी जितने भी IAS और IPS ऑफिसर है, उसमें से 90% कैडर्स स्पीपा से पास आउट है, तो स्पीपा का की भी एंट्रेंस देनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल से मुझे याद आया, एक कॉलेज है सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज बॉम्बे में। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो लिया, क्या क्या लिया? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायो लिया, तो आपको बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, क्या बताया बोलो ना, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी में आपको इंजीनियरिंग मिलेगा। जबरदस्त कॉलेज, 100% प्लेसमेंट, सिर्फ बॉम्बे में एक ही कॉलेज है। कॉलेज का नाम लिखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल बायोमेडिकल कॉलेज, ओनली बॉम्बे। और एक लिखो सर, UDCT, ये केमिकल इंजीनियरिंग किसी को करना है क्या? केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट कॉलेज ये भी बॉम्बे में है, उसका नाम है UDCT। क्या नाम है उसका? UDCT, वो भी लिखो अगर केमिकल इंजीनियरिंग करना है तो। नेक्स्ट, आपको अगर पुणे आके पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अफजल भाई से बात करें, बात करेंगे चलो। और कौन, किसी को डाउट्स? उसको आसिफ पहुंचाना। पास की है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है, तो वो क्या ऑनलाइन? मैं इसके लिए वहां चले जाता, माइक चालू करो ना, आवाज नहीं आ रहा क्या? हाँ बोलो बोलो सर, पकड़ो। मेरे भाई ने 12th पास की है, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है, तो ऑनलाइन क्या कर सकता है? इसीलिए बोला सही सवाल आधा जवाब है। वो उसका कहना है कि मेरे भाई को इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है। किस पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंटरेस्ट है? उसके भाई को, तो उसने क्या पढ़ना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन? मैंने पहले ही बताया, एक ही इंस्टीट्यूट है, जो दोबारा बताता हूँ, EDIA। सर किधर है? लिखा क्या? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। क्या सर उसका फुल फॉर्म? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, EDII। सिर्फ गुजरात में, गांधीनगर में, इसमें ज्वाइन करो। दूसरा मैं और एक चीज बताऊंगा, अगर उसको, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में अगर इंटरेस्टेड है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ आपको बिजनेस सिखाती है, नेटवर्किंग हर 5-star होटल में होता है, गुजरात में भी होता है, अहमदाबाद में भी होता है, उसका नाम है BNI। कितने लोगों ने BNI के बारे में सुना है?
BNI, आप BNI के मेंबर है? कैसे सुना आओ सामने आओ बताओ जरा माइक किधर है दूसरा BNI लिखो BNI इसमें पैसा खर्चा होता है लेकिन दो साल MBA बिजनेस में MBA करेंगे जैसे आपको पढ़ाई कराएंगे वो भी प्रैक्टिकल ओपन नंबर पर इसकी ऑफिस है वहां पर मेरे फ्रेंड है उसमें जब से जानता हूँ कितना BNI सेंटर है गूगल करो फाइव स्टार होटल में सुबह 7 बजे मीटिंग चालू होता है 6:30 बजे हफ्ते में एक बार दबा आइवन माइजर नाम का आदमी है जिसने इसको चालू किया ये आपको बिजनेस सिखाता है और हजरत उमर रजी अल्लाह ने पहले कहा कि बिजनेस तिजारत सीखने की चीज है तो तिजारत सिखाने का इंटरनेशनल फोरम गुजरात में अहमदनगर में है इंटरनेशनल है BNI मैं उसका मेंबर हूँ 5 साल से आप मेरे कार्ड में देखेंगे मैं BNI मेंबर हूँ तो वो आपको बिजनेस सिखाता है तो वो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी सिखाएगा मेरा दुबई में जो क्लास चालू हो गया ना मुझे BNI ने KHDA अप्रूवल करके दिया 60-70 लोग रहते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक बिजनेस का एक ही आदमी रिप्रेजेंट कर सकता है तो बाकी 70 लोग आपको रेफरेंस देते हैं कोई कमीशन नहीं है नेटवर्किंग है बिजनेस मिलेगा नहीं मिलेगा मैं गारंटी नहीं देता लेकिन आपको नेटवर्किंग सिखाएगा आपको बिजनेस करना सिखाएगा और बिजनेस का प्रोसेस सिखाएगा आप गूगल करो BNI नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन इधर एक बच्चा उसको भी पूछना इधर भी पूछना माशाल्लाह मजमा तो अफजल भाई आपका तगड़ा है काम है लेकिन तगड़ा मजमा है अस्सलाम वालेकुम सर नीट की जो प्रिपरेशन होती है वो ऑफलाइन प्रेफर करनी चाहिए या ऑनलाइन और ऑनलाइन में आपका कोई सजेशन है प्रिपरेशन के लिए कुछ बिल्कुल देखो एक्चुअली देखो 10th पे कितने मार्क्स मिले 82 उसका क्या कंसेप्ट है मैं बताता हूँ सर बोर्ड भी जाऊंगा देखो 100 बच्चों में से सिर्फ 20 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको पहली बार में समझ में आता याद रखो ये बात कितने हमारे बहुत बड़े मौलाना थे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह ले इंतकाल हो गया पुना वाले वो कहते थे कि आम के झाड़ पे पहले फूल आते क्या आते पहले फूल आते हर फूल कैरी नहीं बनता जैसा अभी एक बारिश आ गया फूल निकल गया सब हर कैरी पकता नहीं है पका हुआ आम नहीं बनता और हर पका हुआ आम फार्मर को नहीं मिलता कौवा खा जाता बच्चा खा जाता आप अगर रत्नागिरी के जाएंगे ना हापुस आम को वो लोग रिडेम का ये लगाते नेट लगाते जो इंडिया मिलता नहीं वो बाहर जाता तो नीट की पढ़ाई भी वैसे ही है 100 में से पहले 20 बच्चों को ऑनलाइन भी समझ आएगा याद रखो बात 100 में से 20 बच्चों को जो बच्चा मैंने जो बोला वो काम किया तो 4 एग्जाम दिया तो ओमी बाबा दिया तो ओलंपियाड दिया तो गुजरात गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप एग्जाम है कोई स्कॉलरशिप एग्जाम नहीं है हमारे महाराष्ट्र में 5th और 8th में स्कॉलरशिप होता है वैसे कोई स्कॉलरशिप नहीं है एग्जाम नहीं है तो ओमी बाबा ये मैंने नवोदय सैनिक स्कूल RMS RMC ये जो एग्जाम के बारे में बात किया ना ये जो एग्जाम दे के आते बच्चे ना यही बच्चे ओलंपियाड वो जितने बड़े बड़े क्लासेस वाले इसी बच्चों को पकड़ते हैं अगर कोई बच्चा बड़े क्लास में नाम नहीं लेता ओलंपियाड पास किया ना तो उसको उचक लेता है आपको मालूम है जब कोविड हुआ था तो एक बच्चे को 720 में से 720 मार्क्स मिला था कौन है बच्चा हाँ बोलो नाम पूरे हिंदुस्तान में आज तक किसी को 720 नहीं मिला उस बच्चे का नाम क्या है कमी कबड्डी का बच्चा है सर क्या नाम है उसका सर नाम क्या है सर उसका शोएब आफ्ताब क्या नाम है उसका हाँ कभी तुम उसको गूगल करो ना ये शोएब आफ्ताब ने नीट में 70 साल के हिंदुस्तान की आजादी में 720 में 720 मानने वाला पहला बच्चा कैसा बना इसको सोचो ना तो आप उसको देखेंगे ना इससे कोटा गया इसके पेरेंट्स किधर थे बंगाल ओरिसा के बहुत बड़े नहीं थे लेबरर्स थे किसी कंपनी में काम करते थे ये कोटा पहुंच गया तो कॉम्पिटिटिव क्लासेस वालों ने उसको खींच लिया कौन से बेसिस पे खींचा इसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया समझा ना तो जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देता ना वही बच्चा आगे जाता है फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में तो 100 में से 20 बच्चे जो है ना वो नीट मार लेते हैं चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या खुद की सेल्फ स्टडी पे हो वो बच्चे रहते हैं जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया अभी कोई बच्चे ने अगर ये मेरे को बोला कि मैंने होमी बाबा क्लियर किया तो मैं उसको फ्री में पढ़ाएगा उस बच्चे को चल बाबा आ जाएगा वो नहीं आएगा ना तो मैं उसको पैसे देगा भाई तू आ जा मेरा नाम ले ले नहीं देगा ना तो चल तेरे को इतना टेस्ट सीरीज भेजता तेरे को दे देता तेरा नाम लिख लेता क्योंकि मेरे को मालूम वही पक्का हुआ आम है आप समझ रहे हो वो पक्का हुआ आम है वो पक्का पकड़ने वाला है और वो नीट में मारने वाला है तो ऐसे बच्चे जिन्होंने फिफ्थ में
से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक स्कॉलरशिप एग्जाम दिया, वही बच्चे नीट में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं। वो 80-20 का रूल होता है। क्या रूल बताया मैंने? 80-20 का रूल, 20% में रहते वो जिनको क्लासेस की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन या टीचर भी समझा लेता है। बाकी जो 80% है ना, वो असद सर लिख रहे हैं इधर देखो, बाकी जो 80% है ना उसको और एक बार समझाना पड़ता है। इसको अमर बोलो, अमर। बाकी 60 को समझता नहीं, फिर वापस वो बचे हुए 60 को दूसरी बार समझाना पड़ेगा, उसको अकबर बोलेंगे। और ये 40 में से जो बचा हुआ 40 है ना, उसमें और एक बार समझाएगा तो 20 एंटोनी बोलेंगे। ये बचा हुआ 20 का क्या करेगा? ये जो बचा हुआ 20 है ना, ये बचा हुआ 20 ये 100 को भी खराब करेगा, याद रखो। क्या बोला ऑफिस से? बोला मैं दोबारा बोलो, मैं बता रहा हूं वापिस से बोलो। कितने बच्चे बताए मैंने? 100 में से पहले 20 कौन है? जो मलाई माल है, पका हुआ आम, इंग्लिश में उसको बोलते लेडन फ्रूट्स, वो खुद कर लेगा, उसको उसके अवेयरनेस से पढ़ेगा, सेल्फ स्टडी ऑनलाइन ऑफलाइन खुद कर लेगा। बाकी कितने बचे? 80, उसमें एक बार पढ़ाना पड़ेगा, उसमें से भी फर्स्ट टाइम समझने वाले 20% है। फिर उस बचे हुए 60 में से और एक बार समझाना पड़ेगा, इसलिए रिपीट करते बच्चे। मैं केरला से आया हूं, आप केरला में कभी जाएंगे ना तो आपको डिग्री दिखेगा BSc MBBS। क्या लिखे ले? मतलब वो बंदे ने BSc किया फिर MBBS किया। मेरे दादी को मैं ऐसे ही डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि उसने ग्रेजुएशन के बाद फिर MBBS किया, तो कॉपी मार के नहीं आया, सही पढ़ के आया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। उनको देख के नीट वालों ने अपर एज लिमिट निकाल दिया। अभी कितना भी बुड्ढा है वो MBBS बन सकता है, ये कितने लोगों मालूम है? सारे अपर एज लिमिट निकाल दिया। आप कितने भी बरस के हो गए तो आप MBBS का एग्जाम दे सकते हैं, क्योंकि कमाई है 20 लाख। मेहमान दिमाग यूज करो, 20 लाख बच्चे हैं जो फॉर्म भरते हैं, एक फॉर्म 1500 रुपए का है, तो गवर्नमेंट के पास कितना पैसा था? बात समझ गए? तो उनको क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने अपर एज लिमिट निकाल दिया, तो मैं 80 का फिर 20 फिर बचा हुआ 60 में फिर 20 फिर 40 में से 20। कितने लोग स्कूल चला रहे हैं? स्कूल चलाने वाले लोग, मेरा ओपिनियन है सुनो, अगर आपने ये 20 बचे हुए 20 को सेपरेट नहीं किया ना, ये आपका 100 खराब हो जाएगा। आम की टोकरी में खराब आम होता ना, वो पूरे आम को खराब कर देता, वैसे ये बच्चे आपकी वाट लगा देगी स्कूल को, वाट। तो इनको हकालना नहीं है, इनको रेमेडियल क्लासेस सेपरेट करना है। अगर आप छाटेंगे नहीं ना लोगों को, तो आपका स्कूल का रिजल्ट ऊपर नहीं आएगा। ये स्कूल मैनेजमेंट के लिए जो मैंने जो उसको आंसर दिया, आई थिंक इट इज क्लियर, थैंक्स। हाँ बोला उसको माइक ले। सर मेरी अभी छोटी बहन है, तो आपने जैसा बोला कि सब तैयारी करनी चाहिए, तो आप फिर से एक बार बता सकते हैं कि शुरुआत से कैसे ना? आप कौन सी क्लास में हो? बच्ची कौन सी क्लास में? अभी वो 5th में आई है। 5th में है ना? हाँ। उसने पहले नवोदय का एग्जाम देना है, फिर 6th में जब आएगी ना तो RMC सही स्कूल, 7th में जब आएगा तो RMS, 8th में आए तो RMC, 9th में आए तो होमी बाबा। सर ये मतलब यहीं पर रहकर कर सकते हैं? यहाँ पर रहकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जाम से, ये कोई महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रोच कैसे करना है? ऑनलाइन ऑनलाइन मिलता है फॉर्म्स, एग्जाम देना जरूरी है, उसमें आपको पता चलेगा कि मेरा स्टूडेंट कहाँ पे प्लेस्ड है। और सेंटर्स भी है या फिर ऑनलाइन? सब सब अहमदाबाद में रहेगा सेंटर उसका, हर एक का सेंटर अहमदाबाद में रहेगा। प्रिपरेशन क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, बुक्स मिलता है मार्केट में, आप बुक खरीद के पढ़ लो, नई बुक समझ में आता कोचिंग क्लासेस में हम लोग पढ़ाते हैं। इससे आप बच्चा आपका IAS भी बनेगा, IPS भी बनेगा, नीट भी देगा, JEE भी देगा, CUET, सारी चीजों की तैयारी होती है। स्कूल का पढ़ाई में बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं पास हो सकता, फिर चाहे आपका बच्चा IB बोर्ड में हो, नहीं अभी गुजरात बोर्ड में, मैं अफजल भाई को पूछ रहा था आते आते, मराठी मीडियम है, गुजराती मीडियम है, या सेमी इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम है, या CBSE बोर्ड है, या NIOS है, या ICSE बोर्ड है, या IB बोर्ड है, या ब्रिटिश करिकुलम है। स्कूल की पढ़ाई आपके बच्चों को एंट्रेंस एग्जाम करा नहीं करा सकती, उसकी वजह बताता। आप लोग गुजराती है, बिजनेसमैन है, मैं आपको समझाता हूं, मेरी बात को सुन रहे क्या? बोर हो रहे? हाँ। अब मैं मैथ्स का टीचर हूं, देखो सुनो वजह, सुनो मैं उसकी वजह बताता हूं। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा स्कूल 360 में कितने दिन चलता? 180 दिन चलता। कितना दिन चलता? 180। लिखो सर 180। 180 में एक मैथ्स का पीरियड कितने मिनट का रहता? 40 मिनट पकड़ेंगे, 40 मिनट का रहता। अभी 180 इंटू 40 करो, 7200 मिनट होता है। ये 7200 मिनट में
आपका बच्चा 7260 से डिवाइड करो तो 120 घंटा होता है। तो पूरे साल में आपका बच्चा 120 घंटा मैच पड़ेगा, वो भी टीचर टाइम पे आएगी, बच्चा टाइम पे आएगा, स्कूल टाइम पे चालू होगा, एक क्लास में कम से कम 40 बच्चे रहते हैं, उसको उस बच्चे के लिए एक ही मिनट रहेगा। अभी हमारे जैसे कोचिंग वाले हम लोग पैसे क्यों कमाते हैं, वो जो 120 घंटे का जो मैथ्स है ना, मैं खुद, मेरा रात का 3 बजे का फ्लाइट है, मालूम क्यों, मैं 6 बजे से 10 बजे खुद पढ़ाता हूँ, तो मैं क्लास में जब 6 बजे से 10 बजे पढ़ाऊंगा फिर जाके सोऊंगा, तो 4 घंटा अगर मैंने पढ़ाया का कोचिंग क्लास वाला, 120 डिवाइड बाय 4 करो कितना हो गया, 30 दिन। तो 30 दिन में हम बच्चों को वो पढ़ाते जो स्कूल वाले 1 साल पढ़ाते। अरे बात समझ में आ रही मेरी बात, पता नहीं तुम लोग कितने लोगों को दिमाग में आया, पर ये मैंने इसको पूरा हिसाब किताब बताया। तो डिवाइड बाय 4 करो ना, डिवाइड बाय 30 करो, 4 डिवाइड बाय 4 मतलब 30 दिन में हम पूरा पढ़ाते। इस वजह से स्कूल की पढ़ाई से आपका बच्चा कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक ही नहीं कर सकता, इसलिए कोचिंग लगाना पड़ता है। तो स्कूल वालों को मैं बोलता हूं कि आप आफ्टर स्कूल एक्टिविटी करो, हमारे जैसे लोगों को, डॉक्टर बिलाल जैसे लोगों को बुलाओ, और जिस दिन स्कूल नहीं चलता ना, स्कूल के अंदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम स्टार्ट करो आफ्टर स्कूल एक्टिविटी में। जिस स्कूल में कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर चालू होगा, जैसा इंजीनियरिंग कॉलेज में होता ना जॉब, क्या बोलते उसको, प्लेसमेंट सेल, वैसा स्कूल के अंदर स्कॉलरशिप कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर होना चाहिए। जो संडे के दिन भी लोग आए, देखो हमारे यहाँ संडे आवाज तो इन्होंने सबको लगाई, आए कितने लोग, भाई संडे छुट्टी मारने का, सो जाने का है। तो ये प्रॉब्लम है हमारा। जब तक कम्युनिटी को, तीन चीज बोलता हूं मैं, मेरा एक वीडियो बहुत वायरल हो गया है, वो वीडियो में मैंने तीन ही चीज बात किया है, अमर अकबर एंथोनी, अमर हमको आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में आना है, बोलो ऑफिस से, आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में आना है। हम लोग क्या करते, झुग्गी झोपड़ी मोहल्ला, दूसरों के साथ मिक्स होने को तैयार ही नहीं है, हमको वहां से निकल के मेन स्ट्रीम में आना है, बहुत जरूरी है। दूसरा, हमको एग्जिस्टेंस से एक्सीलेंस में आना है। हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमने बड़े बड़े मीनारे बनाए, बड़े बड़े डेक चढ़ाए, अच्छे अच्छे खाना खा रहे हैं। आज सुबह भी मैंने क्या खाया, मालपो और रबड़ी खाया, खाया ना मालपो, अल्हम्दुलिल्लाह खिलाया अल्लाह ने, तो हम लोग उसी में खुश है, हमको आगे नहीं बढ़ना है, हम एग्जिस्ट हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है हमारा, हमको एक्सीलेंस में नहीं आना है। मैंने क्या बताया, 70 साल की आजादी में जो पहला बच्चा 720 में 720 मारने वाला कम्युनिटी का बच्चा है, जब वो मार सकता, मैंने आपको एक फोटो दिखाया, एनडीए में इस साल का टॉपर एक कम्युनिटी का बच्चा है, हर फील्ड में हम लोग है, लेकिन हम अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। मैंने वही बात किया, रेशमी रुमाल तहरीक चली, हमारे उलमा इकराम ने आजादी दिलाई, मेहरौली करके जगह है जामिया मिलिया इस्लामिया, आज भी जाके देखो ऐसे झाड़ों के ऊपर उलमा इकराम को लटका दिया था, सूली पे चढ़ा दिया था, रेशमी रुमाल तहरीक बोलते हैं। उसके बाद क्या, 70 साल हो गए वो बात को, अभी क्या, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं कर रहे। तो जब तुम्हारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये छोटा सा बल्ब का अगर फ्यूज हो जाता है, इसको उठा के फेंक देते हैं, पंखा नहीं चलता तो उसको चेंज कर देते हैं, अगर हमारे वजह से दूसरों को फायदा नहीं होता, जो मैं 80-20 का रूल बता रहा हूं ना, 20% कम्युनिटी 80% कम्युनिटी को फायदा नहीं कर सकता, तो कम्युनिटी को क्या फायदा उसका, आप कैसे के रोल मॉडल बनेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम को क्यों रोल मॉडल बना के रखा लोगों ने, भगवान के साथ फोटो में लगा था उनको, क्यों लगा था उनका, लास्ट मीटिंग शिलोंग में मेघालय में वो भाषण देते, उसी वक्त उनका इंतकाल हो गया। एक मौजिन का बेटा रामेश्वरम में रहता, वो इतने बड़े पोस्ट पे पहुंच गया, क्यों पहुंचा, एजुकेशन कैसे पहुंचा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी बात है। मैं कोई जज्बाती बयान नहीं कर रहा, पर एजुकेशन वो स्ट्रीम है जो आपको यूनाइट करेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये चीजें अगर आप नहीं करेंगे ना, तो वहां वही के वही रह जाएंगे, वही गेटोस में रह जाएंगे, वही पोलराइजेशन होगा। आपको आपका कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा सोसाइटी को, कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से पूछो, दो नाम उनको माइक दो, एक को एक ही सवाल ना, आपने पहले भी सवाल पूछ लिया, पूछ लो। अगर मेरा बीबीएस में एडमिशन नहीं हो रहा है गवर्नमेंट में, तो कौन से हाई स्कोप फील्ड में जाना चाहिए जॉब लिए बिना? नहीं, आपका आपने एमबीबीएस हो गया आपका, हाँ 12th हो गया आपका, फ्रेशर थे आप, हाँ। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो रिपीट करना, एक रिपीट करना, कोई भी अच्छा ट्यूशन लगाना, हमारे यहाँ केरला में भी कोचिंग है, गुजरात में भी कोचिंग है, और भी कहीं हमको कोचिंग है, एक साल बैठ के पढ़ना, बहुत सारे आपको जो पसंद है, आपका जो माली हालत मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक साल बैठ के पढ़ना, फिर नहीं मिला तो फिर हम दूसरा कुछ सोचेंगे।
फ्रेशर्स को, फिर बोलता मैं 80-20 रूल सब जगह लागू होता, फ्रेशर बच्चा 20% बच्चा ही एमबीबीएस का सीट मारता है, 80% जो सीट मारता है ना, स्टैटिस्टिक्स बताता है, वो रिपीटर मारता है, जो एक साल बैठ के पढ़ता ना वही मारता है। फिर एक साल पढ़ के नहीं मिला तो आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर, मैं आपको बताऊं क्या करूं, एक बगैर ड्रॉप के आप एमबीबीएस नहीं ले सकते, नहीं समझ में आया? नेक्स्ट बोलिए, इनको दो। सर सीए के बारे में कुछ जान रहे हैं? सीए के बाद क्या, सीए हो गया तो पैसा है? सीए कर लिया तूने? नहीं कर रहा है मेरा, ट्वेल्थ हो गया तेरा? नहीं मेरा भाई कर रहा है। हाँ तो उसको सीए चालू है उसका? हाँ फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर? फर्स्ट। उसको पढ़ना पड़ेगा। सीए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, 2% ही पांच बच्चे होते हैं, 2% पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं और उसको ज्यादा टाइम लगा देते हैं, तो उसको सीरियसली कम टाइम में घंटों का काम मिनटों में करके सीए ही करना है। अगर एक बच्चा सीए पढ़ रहा है ना तो उसे कुछ और नहीं पढ़ना चाहिए, सिर्फ सीए, दिन भर रात भर ईट स्लीप एंड ड्रिंक सीए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंट बन गया ना तो बस जिंदगी बन गई उसके। प्रॉब्लम क्या है, वो सब्जेक्ट रह जाता फिर 3 साल का 4 साल, 4 साल का 5 साल रखड़ जाता। लेकिन उसका उम्मीद सीए का है ना। हाँ फिलहाल सीए सी एस सी एम है तीनों है, लेकिन मैं जो बच्चा सीए पढ़ता ना मैं उसको बोलूंगा नहीं डाइवर्ट हो, वो मिनिमम टाइम में सीए हो जाए। जैसे अभी हमारे हम बिजनेस करते हैं तो मुल्क के हालात जो है, अभी जीएसटी आ गया, इनकम टैक्स आ गया, एक्साइज आ गया, तो हर फर्म को अच्छा अकाउंटेंट की जरूरत है जो सीए के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। लाजमी नहीं है अगर एक आदमी सीए नहीं बना, चलो मान लो नहीं बना, तो एक आदमी डॉक्टर नहीं बना वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, लेकिन ये सीए का कोर्स जो करता है ने वो अकाउंटेंट सही बन गया, हम सबको जरूरत है। और अकाउंटेंट की आज इतनी डिमांड है कि वो 2-5 कंपनियां अगर वो किसी जगह पर फ्रीलांसर होकर भी काम करेगा तो मैं आपको यूं कहता हूं कि वो 1-1.5 लाख रुपए इजी कमा लेगा, फ्रीलांसर होकर भी कमा लेगा। दूसरा लड़कियों के लिए मैं एक बात कहता हूं कि ऑनलाइन अकाउंट देखना होता है और कंपनियां लड़कियों पर बहुत भरोसा करती है, लड़के तो इधर उधर हो जाते हैं लेकिन लड़कियां जो है अगर अपने घर पर रहकर, क्योंकि हम मुसलमानों की बच्चियों की थोड़ी लिमिटेशन होते हैं, तो वो अगर अकाउंटेंट बन गई, सी ए न भी बनी, अगर अपन घर पर जो है ऑनलाइन अगर ये अकाउंटेंट की जॉब ले लेगी कि भाई हम तुम्हारा यहाँ से ही करके देंगे तो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप बात करें ना, मेरे पास ये रोजाना का काम है, सुबह से लेकर शाम तक मैं यही फॉलो करता हूँ। हम लोग समझते हैं कि सीए बन गया मैटर फिनिश हो गई, जैसे सर ने कहा कि सीए करने के लिए जो मेहनत करनी है तो सीए करने तक तो वही है, लेकिन उसके बाद असल जो सब्जेक्ट है वो फाइनेंस है और अकाउंट्स। हमारे यहाँ बुक कीपिंग को हम अकाउंट समझते हैं, नामा लिखते हैं ना उसको अकाउंट्स कहते हैं, हालांकि वो बुक कीपिंग अकाउंट्स नहीं है, और हमारे यहाँ अकाउंट्स को फाइनेंस कहते हैं। अकाउंट और बुक कीपिंग ये उसके बेस हैं, उसके बाद इतनी बड़ी दुनिया है फाइनेंस की कि मेरे पास ये मोबाइल में अगर किसी को चाहिए तो अभी 6 महीने में कम से कम 500-800 से ज़्यादा पोस्ट है सिर्फ फाइनेंस रिलेटेड चीज़ों में, क्या क्या कर सकता है। और ऐसा नहीं, मुसलमानों के बड़े बड़े फाइनेंस के, और ये मेरे पास कोई टेक्स्ट बुक की चीज़ें नहीं है। मैं पहले एक ग्रुप में डालता था तो कुछ लोगों को लगा कि यार बोरिंग चीज़ें और ये रिलेवेंट नहीं है, तो मैं कोई बात नहीं, मैं एक अपना ग्रुप अलग बनाता हूँ फाइनेंस की चीज़ें, मैं उसमें डालूंगा जिसको आना हो। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद 15-16 लोग से ज़्यादा मेरे ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 185 लोग रोज़ाना, मैं एक पोस्ट डालता हूँ उसके अंदर और वो अब तक रिपीट नहीं हुई 6 महीने के अंदर। और अभी तो, और मेरे पास ऑलरेडी जो पोस्ट मैंने नहीं डाली 150 से ज़्यादा रिजर्व में पड़ी है, और इतना बड़ा ये फील्ड है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि रिलायंस को आप देख लो, और ये एक एग्जांपल है जो सब समझते हैं बिजनेस वाले हैं। हम लोग सिर्फ अर्निंग को, रेवेन्यू जो जनरेट होता है, प्रॉफिट है, उसको अर्निंग समझते हैं, हालांकि कॉरपोरेट दुनिया, खास करके स्टॉक मार्केट में जो कंपनियां हैं
उन्होंने जो प्रॉफिट बनाया है वो तो उनकी वैल्यू का 1% भी नहीं है। रिलायंस 77 में आई थी अफजल भाई, 77 में रिलायंस आई थी, तब से लेकर आज तक 50 साल का उसका बैलेंस शीट उठा लो, टोटल प्रॉफिट का टोटल मारो और उसकी वैल्यू आज है, उसका हिसाब लगाओ तो आपको लगेगा कि कोई हिसाब ही नहीं बैठता। यानी जो उसने कमाया है 50 साल में और आज उसकी जो वैल्यू है उसके मुकाबले में कम से कम 1,00,000 गुना ज्यादा है। ये लोग क्या करते हैं, वैल्यू क्रिएट करके वैल्यू को अनलॉक करना। अभी मैं हैदराबाद में गया, हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने 150 बुक्स पब्लिश को टाइटल को ऑथर की है, तो मैं उनको उनके चाउट की बैलेंस शीट पर 1,00,000 रुपए की नेटवर्थ थी, सिर्फ 1,00,000 रुपए की। मैंने उनको कहा कि अल्लाह के बंदे तेरी बुक्स की वैल्यू कितनी बनती है, तो फिर हिसाब लगाया तो रफ आइडिया निकाला तो 4.5 करोड़ बनते थे। मैंने उनके अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को बात समझाई पूरी और मैंने कहा कि इसकी वैल्यू करो ये बुक्स की, ये बुक्स को चौपड़े पे लो, तो चौपड़े पे 4.5 करोड़ की बुक्स आई और इसको 4.5 करोड़ की कैपिटल मिली, मतलब इसकी इक्विटी मिली। तो आप सोचो कि ये बुक्स पे 4.5 करोड़ तो कमाते कमाते कम से कम 10 साल लगेंगे और इसने अभी से 4.5 करोड़, और अगर कल को इसको कंपनी बेचनी है तो फिर मार्केट वैल्यू करेंगे तो ये 4.5 करोड़ की नेटवर्थ वाली कंपनी को कम से कम 10 करोड़ में बेच सकते हैं। ये गेम जो है, ये गेम का नाम है फाइनेंस। इसलिए इंट्रिकेट फाइनेंस का मैं अभी इरादा करता हूं, मैं कब से इसकी तैयारी कर रहा हूं कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चुके हैं और जो अकाउंटेंट्स एमकॉम करें उनके लिए इंट्रिकेट फाइनेंस का एक कोर्स 1 साल का शुरू करने का इरादा करता हूं। और पूरे हिंदुस्तान में तो हमारे एक दोस्त हैं और इसी तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद आज की तारीख में इस्लामिक फाइनेंस में बहुत बड़े स्कोप हैं। अभी हमारे एक मुफ्ती साहब हैं जो मलेशिया के अंदर इस्लामिक फाइनेंस पर मास्टर्स करके आए, तो फाइनेंस के फील्ड की आमतौर पर कोई बात नहीं करता, इंजीनियर डॉक्टर ये वो सब करते हैं। हालांकि फाइनेंस का फील्ड मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई मुफ्ती साहब 2 साल का फाइनेंस का कोर्स बराबर इंट्रिकेट का कर लेवे और मेहनत करें तो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के CFO बन के रिटायर हो सकते हैं। इसके ऊपर हाँ एक मैं इसके अंदर और एक ऐड करूंगा, ये जो भी बिजनेस करते हैं ना, तिजारत का ग्रुप है हमारे यहाँ पुणे में, मैं BNI का मेंबर हूँ, BNI लिखो सर। उसके अलावा मैं TAI का मेंबर हूँ, TIE, ये स्टार्टअप का इंस्टीट्यूट है। और गुजरात में ना स्टार्टअप का बहुत डिमांड है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स, उसमें मैं और एक मेंबर हूँ, कॉफी क्लब, पुणे ओपन कॉफी क्लब का मेंबर हूँ, तो वैसे गुजरात का भी कॉफी क्लब मेंबर है। फिर आप मीटअप गुजरात लिखो, मीटअप गुजरात, उसमें भी आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। जितना गुजरात स्टार्टअप्स पर डेवलप्ड है ना, इंडिया में कहीं और डेवलप नहीं है। और गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है जिसमें आपको स्किल पढ़ाएगा और ये सबके लिए अवेलेबल है। आप जाएंगे तो सब दरवाजा खुला रहता है, हम लोग जाते नहीं हैं किसी वजह से, पर ये बहुत सारी चीज है। और एक मैं मेंबर हूँ J4E, जस्ट फॉर एंटरप्राइजेस, और मैं मेंबर हूँ MCCI का, हमारा महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वैसे आपका गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, शिया कम्युनिटी है शिया, उसमें इमामिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, मैं वहां पर लेक्चर लेने गया था, तो उन्होंने इमामिया चेंबर ऑफ कॉमर्स से बहुत सारा बिजनेस उठा दिया, लखनऊ में भी है, मैं उनके लिए भी काम करता हूँ, करियर गाइडेंस करता हूँ, तो वो लोगों ने भी इसको आगे बढ़ाया। वैसा गुजरात का भी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, आप जो भी बिजनेस करेंगे आप उसमें रजिस्टर करेंगे तो जो भी डेलीगेशन फॉरेन कंट्री से आएगा उसके बाद भी आप सुन सकते हैं, आपको इन्वाइट भी करते हैं जिस टाइम का भी आप बिजनेस करना चाहते हैं। गर्ल्स स्टार्टअप अगर आप रजिस्टर करते हैं 5 साल का इनकम टैक्स बचता है, कितने साल का, 5 साल का। अब इसके ऊपर मैं बात करने के लिए अलग किसी को भेजूंगा, जैसे उवेस भाई ने बताया बहुत सारे चीज बात कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम अपने पास कम है, देखो उधर पीछे माइक दो, जितना मैंने जो जो बोला ना ये सब लिखो सर, BNI लिखो, TAI लिखो, मीटअप गुजरात, स्टार्टअप्स लिखो, स्टार्टअप्स कॉफी क्लब लिखो, बहुत सारा फंडिंग्स होता है। आपके पास कुछ अच्छा प्रोजेक्ट हो गया, एक स्टार्टअप का मैं जज था, सर लिखो ना, एंजल इन्वेस्टर लिखो, पिच लिखो। ये मैं देखो एक मैं आपको छोटा सा बात बताता हूँ तुम्हारे समझ में आने वाले, एक सिंधी आया हमारे इस लोगों को लाया, TAI का मेंबर है, और उन्होंने एक कॉम्पिटिशन कराया, हजारों बच्चे कॉम्पिटिशन में आए और कॉम्पिटिशन में आने के बाद आखिरी में 10 बच्चों को जिताया, बहुत सारा चीज चेक करके 10 लोगों को जिताया। ये 10 लोगों को सिंधी ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 10-10 लाख रुपए दिया उसको, कितना, जैसा आपने बोला ना उवैस इनामदार को,
शिवनादर ने कितना दिया? 20 लाख रुपया दिया। वो सिंधी ने इन सबको 10-10 लाख रुपया दिया। मैं 5 साल पहले की बात कर रहा हूं। 7 लोगों ने तो पैसा डुबा दिया, पर बचे 3 लोगों ने उस आदमी को करोड़ों रुपए बना के दिया। और ये हलाल है और इस्लामिक शरिया बेस्ड है, क्योंकि हर स्टेज पर जो फंडिंग होता है ना, सब ऑथेंटिकेट होता है और 5 लोग मिलकर ही वो कंपनी बना सकते हैं। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। और ये स्टार्टअप्स को गुजरात में बहुत ज्यादा डिमांड है, ये बात याद रखो, बहुत ज्यादा। आपको पता नहीं है लेकिन मीना बोलते, मीना MENA, कोई भी बंदा जो मिडिल ईस्ट जाता है ना, वो नॉर्थ अफ्रीका कैप्चर करता है। नॉर्थ अफ्रीका में बहुत बिजनेस है। मॉरिटानिया करके एक अफ्रीकन कंट्री है, हमारा 1 रुपया वहां का 20 रुपया है। देखो, हमारा 20 रुपया दुबई का 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया मॉरिटानिया का 20 रुपया है। मॉरिटानिया में अगर आप कोई भी एजुकेशन या कोई भी बिजनेस करेंगे, आपको बहुत पैसा मिलेगा। आप लोग गुजराती, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन MENA बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल ईस्ट से नॉर्थ अफ्रीका जाते लोग, इससे शिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने बताया ना IMUCT का एग्जाम, बहुत सारे शिपिंग कंपनी आपको उनको ज्वाइन करने स्कॉलरशिप देते हैं। एक कंपनी का नाम बताता मैं, मर्क, MERC, ऐसा मेरे पास बहुत सारे कंपनी है जो आपको पढ़ने का स्कॉलरशिप देता है, लेकिन आपसे बॉन्ड लिख के लेता है कि आपको उसी में जॉब करना पड़ेगा 5 साल। तो शिपिंग क्यों? क्योंकि जितना भी बिजनेस होगा ना, सब वो गल्फ से जाने वाला आगे, तो शिपिंग भी बहुत चलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। अस्सलाम वालेकुम। ये अभी मैं एक्चुअली डेटा साइंस कर रहा हूँ, डेटा साइंटिस्ट फील्ड, तो उसके अंदर आगे स्कोप क्या है? वैसे बहुत ज्यादा स्कोप है। मैं अभी आप आने से पहले वही बात कर रहा, डेटा साइंस कहाँ से पढ़ रहे आप? मैं प्राइवेट कोचिंग से कर रहा हूँ। डिग्री 12वीं हो गया? हाँ, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है तो आप, मैंने अभी बताया आप लेट आए, BSc डाटा साइंस करो चेन्नई IIT से। BSc डाटा साइंस चेन्नई IIT से घर बैठ के कर सकते हैं। मेरा बैकग्राउंड बीकॉम है। आपको जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बैठ के कर सकते। 3000 का फॉर्म है, 1 महीने का मॉड्यूल आता है, उसको कोचिंग लगाना पड़ेगा। करने के बाद आपको 3 साल का डिग्री 6 साल में ले सकते हैं, 40 लाख का पैकेज मिलेगा चेन्नई IIT BSc डाटा साइंस। बैकग्राउंड मेरा बीकॉम है, बीकॉम बैकग्राउंड से बिलोंग। बीकॉम BSc कुछ भी डिग्री चलेगा, 12वीं पास है ना, 8 से भी चलेगा। बट उसका एक 3000 वर्ग के कोर्स मॉड्यूल है, वो क्लियर करना पड़ता है। कई बच्चे को क्लियर नहीं कर पा सकते, उसके लिए आपको कोचिंग लगाना पड़ेगा। मेरे से कॉन्टेक्ट करो, मैं भी कोचिंग कराता हूँ। थैंक यू। आगे बोलिए मैम, उसको दो आसिफ। LLB की स्टडी ऑनलाइन कर सकते हैं? LLB की मुझे पता नहीं है बिला डॉक्टर साहब, LLB आपके यहाँ गुजरात में ऑनलाइन है ऑफलाइन है? लेकिन फुल टाइम कोर्स है, लेकिन क्या करने का, ऐसा कोई कॉलेज देखने का जो मुस्लिम मैनेजमेंट का कॉलेज है? कोई मुस्लिम मैनेजमेंट का कोई लॉ कॉलेज है क्या? हाँ, किधर? बालासिन और कहां से दूर है यहां से? 80 किलोमीटर। ऐसा कोई कॉलेज देखो जहां पे अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, थोड़ा फीस ज्यादा होता है, अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, कम अटेंड किया तो चलेगा, पर एग्जाम देने तो आपको जाना ही पड़ेगा। गांधीनगर में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर लॉ कॉलेज है, सेक्टर 16 में, तो आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां प्रेजेंस इतना जरूरी नहीं होता है, वहां से सब ऑफिसर लोग भी करते हैं, आप जैसे बच्चे भी करते हैं, ठीक है? हाँ, मेरा नाम मुस्तफा खेडूवरा है, मैं ये सब काम देखता हूँ, बच्चों को गाइडेंस देता हूँ और मैं गांधीनगर में रहता हूँ। और एक बात सर, ये जो आपका लेक्चर था, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप जैसे हमारे अफजल भाई ने आपके बारे में बताया, आप गुजरात आए, और बहुत ताज्जुब की बात यही है कि मैंने कल ही आपके बारे में सुना, 11:30 बजे एक भाई ने आपका वीडियो भेजा था, तो जब मैं कब्रस्तान फातिया पढ़ने गया था तो वो भी आए थे, और बहुत मैं मुतासिर हुआ हूँ, और मैं
जो भी लोगों ने ये प्रोग्राम का अरेंज किया हमें उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप आए। अच्छा, ये जो लेक्चर चल रहा था उसमें एक रिसर्च मैंने की है कोर्सेज के बारे में, आप थोड़ा ज्यादा उसमें रोशनी डालना। एक कोर्स है 10th के बाद में डिप्लोमा, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, वो यहाँ पे RC टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहां पे होता है। लोग उसके सामने देखते ही नहीं है कि ये प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है। मैंने इसमें कम से कम एक आधे दर्जन बच्चों को मैंने डिप्लोमा करवाया और सब लोग जॉब में है। और दूसरा कि मैंने दूसरों के लिए नहीं, मेरे जो लड़का है उसको भी इसमें ये करवाया था और उसने मुंबई से फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से डिग्री किया, डिग्री इन प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, मुंबई से किया, नेरुल से। और हाँ, वही बता रहा हूँ मैं, गुजरात के अंदर कोई कॉलेज नहीं है प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी का, अभी तक नहीं खुला है। तो हमारे बच्चे यहाँ से जाते हैं बम्बई, पूना जाते हैं, शिवाजी पेट में बहुत बड़ा कॉलेज है वहाँ, पूना विद्यार्थी ग्रह, सिर्फ 30 सीट है आज तक, आज तक 30 सीट है। हाँ। और 30 के 30 बच्चे मेरे पास US में, सब वही आने रहता, सब बाहर जाता। अच्छा, ये डिप्लोमा की मैं बात करता हूँ, आपका डिप्लोमा पूरा होने से 6 महीने से पहले आपको नौकरी देने वहां पे इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाते हैं अहमदाबाद में। तो जो बच्चे जरूरतमंद है, जिनको जो नौकरी करना है, जल्दी ढूंढना है, तो डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कर सकते हैं और आगे जाके फिर डिग्री भी कर सकते हैं। तो इसके बाद में साहब थोड़ा और भी बताएंगे, मेरे पास इतना नॉलेज है। नहीं, मैं यही बता रहा हूँ, मैं आप लोगों से सीखने के लिए आया। अगर आप देखो, अगर हजरत इसके बारे में नहीं बताता था, मैं आपको नहीं बताता था। ये पूना विद्यार्थी ग्रह PVG लिखो, ये गवर्नमेंट कॉलेज है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है पूना में, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डिग्री देता है, सिर्फ 30 सीट है, कोई नहीं जाता था। उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाहता है, लड़की लोग, जिन लोग इंजीनियरिंग करना चाहता है और जिनका मैथ्स खराब है, क्योंकि इंजीनियरिंग में क्या होता है, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आपको M1 M2 M3 तीन मैथ्स होते हैं और मैथ्स से बैकलॉग लग जाता है, 4 साल का डिग्री 6 साल में हो जाता है। तो जिन बच्चों को ड्राइंग पसंद है, आर्टिस्टिक है, एस्थेटिक है, डिजाइन में इंटरेस्टेड है, वो आर्किटेक्चर नहीं करना चाहता लेकिन ये करना चाहता ना, उसको जॉब मिलता है, वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का डिग्री मिलता है उसको PVG में, आपके JEE के स्कोर में मिलता है, आपको गुजरात के है करके आपको JEE है, अगर महाराष्ट्र का होता तो MHCT में मिलता था। पूना विद्यार्थी ग्रह कॉलेज का नाम है PVG, अब मारा तो मालूम पड़ेगा। उसी तरह से और एक है जिसका 30 सीट है, उसका नाम है मेटलर्जी में भी 30 सीट है, गवर्नमेंट कॉलेज COEP में मिलता है। उसी तरह से और एक कोर्स है जो बहुत कम लोगों को मालूम है लेकिन जो गल्फ में जाना पड़ता है और गुजरात में भी बहुत तेल निकलता है, उसका नाम है पेट्रोलियम, MIT करके कॉलेज है, पेट्रोलियम में डिग्री देता है। वो आपकी गुजरात में भी होगा, पेट्रोलियम है, पेट्रोकेमिकल है, प्लास्टिसिटी है, पॉलीमर्स है, जो ऐसे स्पेशलाइज्ड कोर्सेज में अगर हमने डिग्री लिया तो आपको बहुत फायदा। और कोई क्वेश्चन? उसको दो, बच्चा उधर से पूछ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मुझे मैथमेटिक्स और इंग्लिश में बेसिक से एडवांस तक सीखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कौन सा क्या पढ़ा आपने? BA आर्ट्स। BA आर्ट हो गया? हाँ हो गया। फिर क्यों पढ़ना चाहते हैं? नहीं, मैथमेटिक्स थोड़ा इम्प्रूव करना है। अच्छा, वैसा एक इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बताऊंगा, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, ये इंडिया का सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, लिख लो CMI इंस्टीट्यूट का नाम। ये 1 अगस्त को उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, पूरी पढ़ाई ऑलमोस्ट फ्री आपको। ये चेन्नई में इंस्टीट्यूट है जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता है बेसिक्स से, और आपको डिग्री भी देता है और बहुत आगे निकल जा सकते, लेकिन ऑफलाइन है। अगर सिर्फ बेसिक से पढ़ना है, पढ़ने के शौक में, तो मेरा क्लासेस ज्वाइन करो, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आया कि BR करके आपको मैथमेटिक्स क्यों कर रहे हैं? नहीं, वो मतलब मैं जो काम करता हूँ, हिसाब किताब वगैरह करना हो उसके लिए, जैसे कि लैपटॉप में तो पहले काम किया हुआ, VLOOKUP का MIS पाइवट टेबल जो होता है वो, लेकिन ऑफलाइन भी थोड़ा हिसाब किताब करना रहता है। ठीक है, लेकिन CMI लिखो, जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में PhD कर सकते हैं, और बहुत स्कोप है बच्चों लोग, बहुत स्कोप। तो उन बच्चों के लिए, क्योंकि आपका कोडिंग, आपका ये एथिकल हैकिंग, ये सारे चीजों का ना आपको मैथमेटिक्स लगेगा, मैथमेटिक्स बहुत डिमांड में अभी 2036 में आपको व्हाइट कॉलर जॉब तब मिलेगा जब आप AI, ML और DS करेंगे, तीनों को मैथ्स लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको उनको भी दो, फिर इनको भी दो। सलामुअलैकुम
सर मैंने बीकॉम कंप्यूटर्स एमएस डिग्री कॉलेज हैदराबाद से किया था, तो फिर मेरी मैरिज यहाँ हो गई, तो मैं यहाँ हूँ, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स चूज करूँ? बीकॉम हो गया? हाँ हो गया। और बीकॉम कंप्यूटर्स किया है। तो आपको पढ़ना क्यों है, जॉब के लिए पढ़ना है या ऐसे ही पढ़ना है? नहीं जॉब के लिए। जॉब के लिए ना, ऐसे ही पढ़ना है मेरे को, कोई ऑनलाइन जॉब करनी है। ऑनलाइन जॉब के लिए मैंने आपको जो बताया ना, वो बीएससी डाटा साइंस के तो भी जॉब मिलेगा, और अगर आपको ऑनलाइन किया तो आपने बीकॉम भी किया है और आपने कंप्यूटर का भी कोर्स किया, तो जैसे अफजल भाई ने और उवेश भाई ने बताया ना, कोई भी अकाउंट्स का कोई कोर्स कर लो, आपको घर बैठ के काम मिलेगा। कंप्यूटर का कोर्स करना पड़ेगा? हाँ, कंप्यूटर का कोर्स, जैसे टैली होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, अकाउंट्स के बहुत सारे चीज ऐप होते हैं, 6 महीने 1 साल का कोर्स होता है, वो आप पढ़ लो, आपको प्रोफाइल भेजो, आपको अकाउंट्स का जॉब मिल जाएगा घर बैठे, जाने की जरूरत नहीं कहीं, ठीक है? हाँ सर, थैंक यू। मुझे आप व्हाट्सएप कर बताऊंगा। इधर किसी को पूछा था कुछ? अस्सलाम वालेकुम, मैं सर मोरबी से आ रहा हूँ, यानी कि 200 किलोमीटर दूर से। कहाँ से? मोरबी, मोरबी डिस्ट्रिक्ट। टाइल बनता है? टाइल जी, टाइल बनता है ना मोरबी? हाँ, टाइल्स का है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा लड़का अभी स्टैंडर्ड 11th में ए ग्रुप में साइंस में, तो उसको पायलट का कैसे तैयारी करना है, वो उसके लिए खास तो मैं आया हूँ। पायलट बनाना है? जी इंशाल्लाह, उसका तमन्ना है कि पायलट में जाना है। नहीं नहीं, उसने 11th किया, 12th कर लिया, अभी स्टडी करा है स्टैंडर्ड 11th ए ग्रुप में। मैं वही काम करता हूँ, ये बच्चों को पायलट बनाने का ही काम करता हूँ। मेरे पास जो पायलट बनाने का काम है, 100 रुपए के फॉर्म में पायलट बन सकते हैं। कमर्शियल पायलट, आज मैं वो एयर होस्टेस लेडी थी, उसको असद सर मेरे साथ थे, मैं उसके पीछे भी जब आगे उसको पूछा तूने क्या किया, ये फ्लाइंग क्लब ज्वाइन करके जब पायलट बनता ना, 1 साल का 18 लाख रुपए खर्चा था, 4 साल मतलब कितना हो गया, 72 लाख। इतना पैसा तो अपने पास है नहीं, और कोई जॉब की गारंटी नहीं है, लेकिन इंडिया के आर्म फोर्सेस में, इंडियन एयरफोर्स में 12वीं के बाद एक एग्जाम होता है, 12वीं का एग्जाम का नाम है NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी, जिसका कोचिंग मैं 35 साल से कराता हूँ। वो एग्जाम 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 8000 बच्चे रिटर्न क्लियर करते हैं। रिटर्न क्लियर करने में ना सर, NDA बाकी का सब पूछो ना, अभी अपना थोड़ा मार्केटिंग करेंगे ना, क्वेश्चन आए तो अपना मार्केटिंग करें। तो NDA के एग्जाम में 300 मार्क का मैथ्स होता है और 600 मार्क का गैट होता है। 300 मार्क का जो मैथ्स होता है, 120 क्वेश्चन पूछते हैं मैथ्स में, 9th, 10th, 11th, 12th का, 150 मिनट में आंसर करना पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 120 क्वेश्चन को 150 मिनट में आपको लिखना पड़ता है, वो उसका मेन एग्जाम होता है। दूसरा जो एग्जाम होता है उसका नाम है गैट, जनरल एबिलिटी टेस्ट, वो 600 मार्क का पेपर होता है, 200 मार्क का साइंस रहता है, 200 मार्क का जनरल नॉलेज और 200 मार्क का इंग्लिश। साइंस में भी 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 10 क्वेश्चन बायो के, और जनरल नॉलेज में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब पूछते हैं। ज्योग्राफी 20 मार्क का आता है। ये एग्जाम हर 6 महीने में होता है। जब आपका बच्चा 12वीं में आएगा, सितंबर में एक बार एग्जाम होता है और अप्रैल में एक बार एग्जाम होता है। अगर उस बच्चे ने अगर वो रिटर्न एग्जाम क्लियर किया, 8 लाख में से वो 8000 में आया, फिर 5 दिन का इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यू क्लियर किया तो 800 भी आया, फिर इंटरव्यू के बाद फिजिकल फिटनेस होता है, मेरे से आदमी को नहीं लेंगे, फिजिकल फिट होना चाहिए, तो फिजिकल फिट हो गया तो 400 लोगों को लेता है। अल्हम्दुलिल्लाह हर 6 महीने में ये 400 में से 7 से 8 बच्चे मेरे क्लास के होते हैं, आप समझ रहे हैं? तो ये हर 6 महीने में एग्जाम होता है। वैसे आपका बेटा 19 साल तक एग्जाम दे सकता है, 19 साल के अंदर अगर वो एग्जाम ये तीनों स्टेप क्लियर किया, रिटर्न, उसका इंटरव्यू और फिजिकल, तो लेते हैं। 400 में आपका मेरिट नंबर 401 आया तो भी दोबारा उसको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह वो 18 साल की उम्र में एयरफोर्स ऑफिसर बनता है, उसको 4 साल का ट्रेनिंग है, 18 और 4 कितना हो गया, 22, फ्री है, पुणे में NDA करके जगह वहां पर, 15 साल सर्विस, तो कितना हो गया, 37 ईयर में रिटायर हो सकता है। 500 साल वो मिग चला था, मिग फाइटर प्लेन, बरोड़ा में जावेद करके मेरा स्टूडेंट है, यहाँ पे बरोड़ा में आपका सेंटर है एयरफोर्स का, वहां पे जॉब कर रहा है। तो ये आप, ये होने के बाद रिटायर होके जब बाहर आएगा तो इंडिगो वाला मालूम उसको कितना पैसा देता है, 1 महीने में एक एयरफोर्स वाले को कितना पैसा देगा इंडिगो वाला, कोई गेस कर सकता क्या? 7 लाख हो गया, अभी 7 लाख रुपया महीना मिलेगा। तो ये करने के लिए आपको 100 रुपए का फॉर्म भरना पड़ता है, कोचिंग लगाने तो मेरे को पैसे देने पड़ेंगे, 100 रुपए के फॉर्म में आपका काम होता है। कमर्शियल पायलट लाइसेंस में बहुत पैसा जाता है और नौकरी का गारंटी नहीं है। यहाँ पे आपको 12 के बाद अगर उसको 19 साल तक 4 अटेम्प्ट मिलते हैं,
अगर बच्चा सीरियस है तो निकल जाता है, समझो नहीं निकला, हम ये समझे नहीं निकला, तो ग्रेजुएशन के बाद एक और एग्जाम होता है जिसका नाम है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, उसके बाद भी वो ऑफिसर हो सकता है, और एक एग्जाम है जिसका नाम है एफकैट, क्या नाम है एफकैट, कितने कितने लड़कियों को बगैर मैथ्स है, जरा हाथ ऊपर करो, जो लड़कियां बगैर मैथ्स के, जरा हाथ ऊपर करो, मैथ्स लिया नहीं है बारहवीं के बाद, अरे नीट वाले बच्चे कितने, हाँ, तो अगर आपको एयरफोर्स में ऑफिसर बनना है तो एक एग्जाम है जिसका नाम है ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, बगैर मैथ्स का भी आप एयरफोर्स में ऑफिसर बन सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताता हूँ बहुत सेफ है, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना सिक्योरिटी आर्मी नेवी एयरफोर्स में कहीं और नहीं है, लेकिन हम जाना चाहिए, मैंने आपको बताया ना, मैंने सिर्फ लड़कियों के लिए, कोस्ट गार्ड सिर्फ लड़कियों के लिए, तो बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज है, मैंने कल एक ऐड देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीयूईटी के एग्जाम के ऊपर, सिर्फ वुमेन्स कॉलेज है जिसके लिए उनको आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, तो सिर्फ लड़कियों के लिए, जामिया का एंट्रेंस अलग होता है, वहां भी सिर्फ लड़कियों के लिए। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। आप मेरा नंबर ले लो, मैं आपको कॉन्सल्ट भी करता हूँ, आप मेरे काम के आदमी, एक पहला आदमी मिला, बताइए इनको दो, कौन सा, गूगल करो प्रैग्मेटिक मतलब क्या, आप गूगल करो प्रैग्मेटिक का मतलब क्या, मैंने पहले ही बोला गूगल करना पाप नहीं है, गलत चीज है गूगल करना पाप है, प्रैग्मेटिक का मतलब पूछ रही है, प्रैग्मेटिक का मतलब बताइए, आप लोग भी बता सकते हैं, मेरे कार्ड में लिखा है मैंने प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल, आजकल क्या है लोग बहुत थियोरेटिकल नॉलेज बहुत बांट देते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बांटता हूँ। नेक्स्ट, और कौन है, उनसे पूछे, आसिफ, मैंने टैली किया हुआ है तो उससे क्या जॉब मिलेगी, क्या बता रहे, टैली कंप्यूटर में, क्या बता रहे, टैली किया हुआ है, टैली करने से जॉब मिलता है, लेकिन आपने कोई ग्रेजुएशन किया साथ में, टैली किया है सिर्फ कंप्यूटर में, अभी 12th कर रही अकाउंट सेक्शन में जॉब मिलेगा आपको पढ़ाई के बाद, टैली करे, टैली तो बहुत छोटी बात बताया, लेकिन आप उवेश सर को और अफजल भाई को पकड़े ना तो अकाउंट्स के बहुत सारे चीज है, तो वो आप पढ़े तो अच्छा, साथ में है ना, आप ग्रेजुएशन में तीन चीज करो, सीएस और सीएम है, सीए तो बहुत हार्ड होता है, कंपनी सेक्रेटरी उससे इजी होता है, और सीएम में और कम इजी होता है, अगर आपने सीएम में किया ना तो अच्छा जॉब मिलता है अकाउंटिंग का। एनीथिंग एल्स, खत्म करें, अफजल भाई बोल रहे टाइम बहुत लगता है, आखिरी सवाल, अफजल भाई हो गया, आखिरी क्वेश्चन किसी का हो तो भाई पूछ ले, क्योंकि हमारा सेशन जो है यहाँ पर खत्म होने जा रहा है, और हाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं, अनिश सर अवेलेबल रहते हैं, और मैं आपको एक बात और भी कह दूं कि हमारी बहुत सारी बच्चियां यहाँ पर बैठी हुई है, 12th के बाद बहुत इजी, ये बहुत सारे कुछ झमेले में न पढ़ना हो जैसे होता है ना, जिसको अपने को तो क्योंकि हमारे मिजाज भी कुछ ऐसे बन गए हैं, तो चलो जो इजी मिल जाए वो, तो लड़कियों के लिए मैं ऑफर करता हूँ कि 12th के बाद में कोई भी फैकल्टी के साथ में अगर 12th किया है तो जीएनएम का एक कोर्स है, और वो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अपने यहाँ पर अपनी संस्था इसको करवाती है, सम्मा दानी मुल्ला पीर कमाल के अंदर जो है 12th के बाद में जीएनएम पैरामेडिकल का अभी बहुत डिमांड भी है, बच्चियां बहुत इजी उसको कर सकती है, 3 साल का कोर्स है जो अपनी संस्था करवाती है, जिसने बी ग्रुप लिया है 12वीं में और जिसको कहते हैं कि नीट में और दूसरे मसाइल है उसके पास में, तो बीएससी नर्सिंग कर सकती है, वो भी अवेलेबल है अपने यहाँ अहमदाबाद में, और बिल्कुल हैंडी है जिसको कहते हैं, हमारी बच्चियां उसका फायदा नहीं उठाती है, तो जो पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं वो और जो बच्चियां यहाँ पर बैठी है जिसने 12th किया है, आर्ट्स में किया हो या कॉमर्स में किया हो, वो जीएनएम कर सकती है, 3 साल का कोर्स है, और बीएससी जिसने 12th बी ग्रुप में किया है तो वो बीएससी नर्सिंग कर सकती है, इसी तरह से फिजियोथेरापी का कोर्स भी जो है, जो डिग्री कोर्स है वो भी अवेलेबल है, ये पैरामेडिकल की तकरीबन 200 सीटें हैं हमारे पास में, बदकिस्मत ये है कि खाली जाती होती है,
तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप उसका भी फायदा उठाए। सीए के बारे में सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए अभी हमने जेके साहब की फ्रेंचाइजीज ली है और वो जो है दो जगह भी हो गई है। सरखेज वालों के लिए एफडी ने शुरू किया है और सिटी के अंदर जाने वालों के लिए हमारी समा ने किया दाणी लिमड़ा में। वो बेच 6 महीने की बेच होती है। हालांकि अगर जेके साहब की अगर तुम क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उनकी 45,000 रुपए फी है। उन्होंने हमारे से टाई अप किया है और हम बच्चों की ये फ्रेंचाइजीज क्लासेस 6 महीने की जो है सिर्फ 20,000 रुपए में पूरी करवाते हैं। तो उसका भी फायदा उठाए, उसकी बात भी चलावे। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जैसे हमारे साथ में डॉक्टर बिलाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अभी उन्होंने अपनी एक पैनल बनाई हुई है 12 आदमियों की जो काउंसिलिंग करती है। तो हम लोग जो है इन तमाम चीजों से फायदा उठाएंगे। तो असल में ये जिसको कहते हैं ना लेखे लागियो, हमारा ये करना जो है वो लेखे जब लगता है जब आप जो है इसका इस्तेमाल भी करेंगे। और मैं फिर से हमारे यहाँ पर अनीस साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हैं तो तहे दिल से हम सब जो है इसका शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि असल जो है हमारे ओएस भाई ने इनको फोन कर दिया था आज से 3 रोज पहले। ये प्रोग्राम जो है कोई 3 रोज पहले तो हमें भी अता पता नहीं था, लेकिन हमारे भाई ओएस साहब ने फोन किया, इनके घर वाले तस्कीनापा ने मुझे मैसेज किया कि अफजल भाई ये ऐसा ऐसा है, तो मैंने कहा बिल्कुल करें। तो फिर हमारे दूसरे साथी भी सब एक्टिव हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मेहनत भी की, वायरल भी किया। 2 दिन की ये जो मेहनत में आप लोग सब सारे के सारे आए हैं ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आमतौर पर जो है आया उसका शुक्रिया अदा है, जिनको हिस्सा लेना था वो बेचारे किसी वजह से नहीं आ सके होंगे, आगे सबके जज्बात तो होंगे ही होंगे। तो मैं फिर भी आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ पर आए हैं इस खबर को सुनकर। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा, अनीस साहब आपको भी और ये जितने लोग यहाँ पर आए उन सबको। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 3 चीज बात करूंगा, मैं हमेशा अमर अकबर एंथनी बोलता हूँ तो मेरा अपनी बात को खत्म करूंगा। 3 चीज है, एक तो ये मैंने देखा नहीं, ये 7 एग्जाम है जो 12वीं के बाद होता है। अगर आप उसको ध्यान से देखें ना, असम राइफल्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वो CISF तो आपने देखा होगा। कितने लोग प्लेन में गए, कितने लोग प्लेन में बैठे, प्लेन में एक और प्लेन में कौन बैठा है, सब बैठे। जो भी प्लेन में बैठता है ना आपको सिक्योरिटी चेक होता है, पता है सिक्योरिटी चेक। आप देखो सिक्योरिटी चेक में वो लड़कियों के लिए अलग होता है, लड़कों के लिए अलग होता है। आपका बोर्डिंग पास मिलेगा, सिक्योरिटी चेक होता है ना, सिक्योरिटी चेक करने वाले सब हरियाणा के लोग मिलेंगे आपको। लड़कियां भी हरियाणा के मिलेंगे, लड़के भी हरियाणा के मिलेंगे। इसकी वजह क्या है कि CISF का एग्जाम होता है, वो पेपर हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। 6 महीना पढ़ लेते हैं तो ही उनकी शादी भी होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब वही मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ वही लोग एग्जाम को देते हैं। 12वीं के बाद सिंपल एग्जाम रहता, 46,000 रुपीज पेमेंट है, सिर्फ वो घुमाते हो, उनके पास एक हाथ में डंडा है, एसी में रहते हैं, 8 घंटा काम करना पड़ता है, सिर्फ प्रॉब्लम है 3-3 साल में शिफ्ट होता है। तो ये सारे एग्जाम बहुत ईजी होते हैं, इसको कोई भी देख सकता है और कोई भी बच्चा पास हो सकता है। हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है, CAPF के नाम से चलता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम है, आप 24 घंटा, मैंने मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया आपको, मेरे पास लेडीज है जो करियर काउंसलिंग करता है, साल भर कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन करेगा तो 24 घंटे के अंदर इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा। दूसरा और एक चीज मैं फ्री करता हूँ करियर काउंसलिंग के अलावा, मैं टीचर ट्रेनिंग फ्री करता हूँ। पूरे दुनिया में टीचर की बहुत कमी है, ऊपर से लिख के नीचे तक टीचर का रोना है और बुरा नहीं मानना, 90% टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता। तो टीचर्स को पढ़ाना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। घंटों का काम मिनटों में कैसे करेंगे उसका मैं ट्रेनिंग करा तो फ्री, खाने का पैसा देना पड़ता है आपको। आप 3 दिन आए, 10 दिन आए, 40 दिन आए, 4 महीने आए, 1 साल आए, इतना आपको स्किल मिल जाएगा इंशाल्लाह। आप आपका खुद का कोचिंग आपके इलाके में चालू कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि हर गली में मोहल्ले में बच्चे पढ़ने आते हैं। मैंने दुबई में भी देखा, अगर मैंने दुबई में जब कोचिंग क्लासेस खोला ना तो बाकायदा लाइसेंस लेना पड़ता और KHD का अप्रूवल लेना पड़ता, रूम लेना पड़ता, रेंट है, बहुत सारी चीजें वहां पे। मैंने मेरे माँ बहनों को क्या देखा, शारजा में बहुत इंडियन मुस्लिम बैठे हैं पूरा शारजा में, तो वो क्या करते हैं अपना जो पार्किंग का एरिया है ना, पार्किंग का एरिया, वो पार्किंग के एरिया में कार को बाहर पेड पार्किंग करते, ग्रीन का कलर का कपड़ा मारते, एक बोर्ड लगाते और बच्चों को पढ़ाते, उसको कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। तो बच्चों ट्यूशन और कोचिंग और पढ़ाना ये बहुत अच्छा स्किल है, आप घर बैठ के कर सकते हैं।
उसका स्किल जो है आपको सीखना है तो मैं फ्री में पढ़ाता हूँ। टीचर ट्रेनिंग मेरे यहाँ फ्री है, लेकिन ऑनलाइन नहीं समझता, ये सीना बाय सीना है। आपको पढ़ाने के लिए लेडीज है, जेंट्स भी टीचर जो जेंट्स को पढ़ाएंगे, आपको इतना स्किल देंगे आपके डिग्री के हिसाब से कि खुद आप आपके घर में ट्यूशन ले सकते हैं आखिरी दर्जे में। आपको हम गूगल सर्टिफाई कराते हैं, ऑनलाइन टीचर बनाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाने का एक अलग स्किल होता है। आप पूरी दुनिया में इंडियन टीचर्स की बहुत डिमांड है, घर बैठ के आप ये सारी चीज कर सकते हैं, इसलिए आप उसके लिए आप मेरे से रابطہ कर सकते हैं। तीसरा, मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया। दोपहर में 3:30 बजे ना, कितने बजे ये टीचर्स जितने भी हैं अभी, मैं वही बताना चाह रहा, जितने टीचर्स हैं, मैं एक बात कभी नहीं करता, मैं एक्सटेम्पोर है, सर लिखो एक्सटेम्पोर, मैं कभी सोच के नहीं आता मैं क्या बताऊंगा। मेरे 210 स्लाइड और बाकी है, आप जो पूछेंगे मैं उस पर जवाब दूंगा। तो मैं टीचर ट्रेनर भी हूँ, तो सारे टीचर्स आपके इलाके के मोहल्ले के या जो टीचर बनना चाहता वो कितने बजे 3:30 बजे आप कहाँ पे हॉल है, बरक वाला हॉल है, वहां पे पहुंच जाइए, इंशाल्लाह फायदा होगा आपका, बिल्कुल वो टाइम वेस्ट नहीं होगा। इसमें टीचर कितने हैं? माशाल्लाह सब टीचर ही टीचर है। और इनको आप लोगों को सबको कहाँ पहुंचना है? बरक वाला में पहुंचना है। इसमें टीचर्स भी होंगे और वो लोगों को भी जोड़ा है जो स्कूल चलाते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं स्कूल का, स्कूल्स के रिलेटेड जो है टीचर्स और मैनेजमेंट, ये दोनों को जो है वरक वाला पार्टी प्लॉट के अंदर यहाँ पर सरखेज में 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक 2 घंटे का प्रोग्राम है। मैं गुजारिश करता हूँ सबसे कि जितने भी हैं वो सारे के सारे टीचर, ऐसा जो नहीं आए हैं वो टीचर्स को जितने अपने हमारे जो टीचर से जो एक दूसरे को जानते हैं उसको भी दावत चलावे। और एक बोलूंगा जो मैंने बहुत सारे आते आते ना, बहुत से सर्कस में आते आते कोचिंग क्लासेस, हाँ जल्दी पहुंचे, 3:30 से शुरू हो जाएगा। कोचिंग क्लासेस वाले को देखा, छोटे छोटे क्लासेस है, कोचिंग क्लासेस को कैसे चलाना, B2B बिजनेस बोलते हैं, कोचिंग क्लासेस को और क्या बढ़ाना, कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बढ़ाना, इसका भी नॉलेज मैं उनको दूंगा। तो जो उनको कोचिंग क्लासेस वाले को भी बुलाओ, उनके ओनर्स को बुलाओ, स्कूल मैनेजमेंट वाले को बुलाओ, जो स्कूल चलाते हैं ना उनके स्कूल के स्पेस में क्या पढ़ाना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या चेंजेस है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है। और एक चीज में मैं जो बात करूंगा जो आज तक कभी किसी ने बात नहीं किया, मैंने भी नहीं बात किया, उसमें मैं बात करूंगा, उसका नाम है परख, PARAKH, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया चीज है, इसको आप समझने के लिए 3:30 बजे अटेंड करना, परख, PARAKH। और कोई अगर गलती हो गई बोल चुका हो तो अल्लाह के वास्ते माफ कर देना। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين